कुछ डरावने एलियंस आउटर स्पेस से अर्थ पर आ जाते हैं और इन एलियंस को पैरासाइट कहा जाता है। और ये पैरासाइट्स ह्यूमंस की बॉडी पर अटैक करके उनकी बॉडी में घुसकर उनके ब्रेन पर अटैक करते हैं और उनके नर्वस सिस्टम को खत्म करके उनकी आइडेंटिटी को अडॉप्ट कर लेते हैं। और इसके बाद वो पूरी दुनिया में तबाही मचाने लगते हैं और अपने सर्वाइवल के लिए इनोसेंट ह्यूमंस को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। और ठीक ऐसा ही एक पैरासाइट शिनिची नाम के एक हाई स्कूल स्टूडेंट की बॉडी पर अटैक कर देता है और उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है शिनिची से, जो कि एक रात मस्त घोड़े बेचकर सो रहा होता है और एक पैरासाइट शिनिची के कान के थ्रू उसकी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करता है, पर कानों में ईयरफोन लगने की वजह से वो उसकी बॉडी में एंटर नहीं कर पाता और वो रास्ता बदल कर शिनिची के नाक में घुस जाता है। लेकिन तभी शिनिची छींक देता है और वो पैरासाइट बाहर गिर जाता है और अब उस पैरासाइट को देखकर शिनिची बुरी तरह से डर जाता है और बेड से नीचे गिर जाता है। शिनिची उस पैरासाइट को मारने के लिए एक बुक उठा लेता है, पर इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता वो पैरासाइट शिनिची के हाथ में घुस जाता है और धीरे धीरे उसकी आर्म के थ्रू उसके दिमाग की तरफ बढ़ने लगता है और ये देखकर शिनिची की बुरी तरह से फट जाती है। शिनिची उस पैरासाइट को रोकने के लिए एक ईयरफोन की तार लपेट लेता है अपने आर्म के आसपास और वो पैरासाइट उसके ब्रेन पर कंट्रोल नहीं कर पाता। और तभी शिनिची के मॉम और डैड वहाँ पर आ जाते हैं, पर शिनिची जब उन्हें अपना हाथ दिखाता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। और ये देखकर उसके डैड उससे पूछते हैं, ओए शिनिची तुम नशे तो नहीं करने लग गए? पर शिनिची बोलता है, नहीं नहीं डैड, मैं कोई नशे वशे नहीं कर रहा, सच में था यार बग था भी। अब इसके अगले दिन शिनिची ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आ जाता है और उसके डैड उससे पूछते हैं, हां शिनिची वो कीड़ा तुम्हें फिर से मिला क्या? और अब शिनिची जैसे ही अपनी कॉफी पीने लगता है तो उसे अपने टेबल पर एक स्पाइडर दिखाई देता है और उसे देखकर शिनिची बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके डैड से कहते हैं, अरे क्या हो गया तुम्हें, कीड़ा ही तो है, पता नहीं तुम्हारा ये कीड़ों का डर कब जाएगा। थोड़ी देर बाद शिनिची अपने स्कूल की तरफ निकल पड़ता है और पीछे से उसकी फ्रेंड मुरानो शिनिची को सरप्राइज करने का प्लान बनाती है, लेकिन जैसे ही वो उस पर अटैक करने लगती है शिनिची उसी वक्त अपने राइट हैंड से उसके हाथ को पकड़ लेता है और मुरानो उसे कहती है, तुम्हें पहले से पता चल गया था ना कि मैं तुम्हें पकड़ने वाली हूँ, देखो मुझसे झूठ मत बोलना। अरे नहीं नहीं मुरानो, मुझे नहीं पता था, मुझे सच में नहीं पता था। और शिनिची गलती से मुरानो को टच कर देता है और मुरानो उसे एक जोरदार थप्पड़ मार के वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। इसके बाद हम शिनिची के क्लासरूम के अंदर देखते हैं कि शिनिची वही एक रात पहले का सीन सोच रहा होता है, जब वो पैरासाइट उसके बाजू में घुसने की कोशिश कर रहा था और शिनिची सोच रहा होता है, क्या वो बग अभी भी मेरे राइट हैंड में ही है? और तभी वो अपने टीचर को अपने सामने खड़ा हुआ देखता है और उसके टीचर उसे क्लास से बाहर निकाल देते हैं। अब वापस घर की तरफ जाते वक्त शिनिची को एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो कि एक बॉल के साथ खेलते खेलते बीच सड़क पर आ गई थी और शिनिची देखता है कि सामने से एक गाड़ी उसकी तरफ ही आ रही होती है। और अब उसकी जान बचाने के लिए शिनिची जल्दी से भागकर अपने राइट हैंड से ही उस गाड़ी को रोक देता है और उस बच्चे की जान बचा लेता है, पर उसे अपने हाथ पर एक आंख दिखाई देती है जिसे देखकर शिनिची बुरी तरह से डर जाता है। और अब शिनिची जल्दी से अपने घर जाकर रूम को लॉक कर लेता है और एक चाकू लेकर अपने राइट हैंड पर मारने की कोशिश करता है और तभी शिनिची का राइट हैंड एक बोलने वाली डरावनी सी एलियन पैरासाइट जैसी चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसे देखकर शिनिची की बुरी तरह से फट जाती है। शिनिची उस पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन वो एलियन पैरासाइट बहुत ही आसानी से उसके इस अटैक को डॉज कर देता है। शिनिची उससे पूछता है, अबे तुम हो क्या आखिर? लेकिन तभी उसका हाथ सो जाता है। शिनिची गूगल पर इसके बारे में रिसर्च करता है पर उसे इंटरनेट पर इस एलियन जैसी चीज के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और शिनिची नीचे डिनर करने के लिए आ जाता है और खाना खाते हुए मन ही मन सोचता है, नहीं मैं अपने मॉम डैड को अपने राइट हैंड के बारे में नहीं बता सकता, उन्हें तो लगेगा कि मैं पागल हो गया हूँ, लगता है मुझे इसे सीक्रेट ही रखना होगा। अगली सुबह हम देखते हैं कि शिनिची का राइट हैंड इंग्लिश की बुक से पढ़ रहा होता है ताकि वो उसकी भाषा सीख सके। शिनिची उससे पूछता है, हाँ तो तुमने बताया नहीं तुम आखिर हो क्या यार? वो पैरासाइट कहता है, तुम्हारे प्लेनेट की बायोलॉजिकल बुक्स में भी मेरे बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, मुझे बस इतना पता है कि मैं तुम्हारा ब्रेन कंट्रोल नहीं कर पाया। और ये सुनकर शिनिची उसे कहता है, क्या मेरा ब्रेन? ओए तुम फिर से मेरे ब्रेन पर अटैक करने की कोशिश तो नहीं करोगे ना? और वो एलियन उसे कहता है, अगर ऐसा पॉसिबल होता तो मैं अभी तक ये कर चुका होता। और शिनिची तंग होकर कहता है, क्या मुसीबत है यार, ये सब मेरे साथ ही हो रहा है, लगता है मुझे अपना अब ये हाथ कटवाने हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और वो एलियन उसे कहता है, अगर मेरी सलाह लो तो फायदे में रहोगे, तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए, वो हॉस्पिटल वाले तुम्हारा हाथ नहीं काटेंगे बल्कि तुम्हें एक लैब रेट की तरह लैब में सजा कर रख देंगे और तुम पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और तुम्हारी लाइफ हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। और अब हमारे पास एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर जीने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, जब तक मैं सो रहा हूं तुम अपना हाथ नॉर्मली यूज कर सकते हो और ये हम दोनों के लिए सही रहेगा। अब थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट करने के लिए शिनिची फिर से नीचे आ जाता है और उसके फादर फिर से एक कीड़े को उसे दिखाते हैं, पर इस बार शिनिची अपने हाथों से ही उस बग को पकड़कर खिड़की से बाहर फेंक देता है और ये देखकर उसके मॉम और डैड हैरान रह जाते हैं। अब उस एलियन की बात ना मानते हुए शिनिची पुलिस स्टेशन जाने का फैसला करता है और तभी वो एलियन फिर से एक्टिव हो जाता है और शिनिची से कहता है, शिनिची मुझे अपने ही टाइप का एक क्रिएचर सेंस हो रहा है। शिनिची उसे कहता है, क्या तुम्हें कैसे पता चला? वो पैरासाइट उसे बताता है कि हम लोग रेडियो वेव्स एमिट करते हैं जिससे कि हम लोग एक दूसरे को पहचान सकते हैं। और वो शिनिची से कहता है, वो पैरासाइट यहां से 200 मीटर की दूरी पर ही है। अब वो दोनों उसके पास जाने लगते हैं लेकिन रास्ते में चलते चलते शिनिची की फट जाती है और वो दूसरी तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी वो पैरासाइट उसे रोक लेता है और कहता है, उस क्रीचर को मिलकर मुझे अपने बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और ये हम दोनों के लिए बहुत जरूरी है, तो चलो मेरे साथ चुपचाप। अब शिनिची मान जाता है और थोड़ी देर तक चलने के बाद उसी क्रीचर के पास पहुंच जाते हैं जिसे वो पैरासाइट सेंस कर रहा होता है और वो लोग देखते हैं कि वो एक पैरासाइट डॉग होता है जो कि एक डॉग की लाश को खा रहा होता है। और शिनिची का राइट हैंड उसे कहता है,
कहता है, भागो, इसकी टेंशन तुम्हें मारने की है, भागो यहाँ से जल्दी भागो। और वो दोनों वहाँ से दूर भागने लग जाते हैं और वो दोनों एक जगह पर आकर रुक जाते हैं और वो पैरासाइट शिनिची से कहता है, तैयार हो जाओ तुम, क्योंकि अगर तुम मर गए तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी मर जाऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि वो पैरासाइट डॉग उड़ता उड़ता उनकी तरफ आ रहा होता है और अब उस पैरासाइट डॉग और शिनिची के राइट हैंड में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है और शिनिची का राइट हैंड उस क्रीचर का दिल उखाड़ लेता है और वो पैरासाइट तड़प तड़प कर मर जाता है। शिनिची नोटिस करता है कि इस पैरासाइट में रत्ती भर भी सिंपथी नहीं है और बहुत ही बेरहमी से उसको मार गिराया इसने। अब इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसे कुछ गुंडे छेड़ रहे होते हैं और तभी एक आदमी वहां पर आ जाता है और उस लड़की को उन गुंडों से बचाता है और उस लड़की से कहता है, आओ मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। अब वो दोनों उस लड़की के घर की तरफ जा रहे होते हैं और तभी पीछे से उन्हीं में से एक गुंडा उसके सर पर एक आयरन रॉड से हमला कर देता है और वो सभी लोग उसे घेर लेते हैं। वो आदमी उन गुंडों से कहता है, मुझे नहीं लगता मेरा पेट तुम सबको डाइजेस्ट कर पाएगा, चार लोग तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ये सुनकर वो लड़की कहती है, क्या तुम्हारा स्टमक। और तभी उस आदमी का सर तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और उन चारों को एक झटके में मार देता है और वो लड़की ये सब देखकर चिल्ला पाती, इससे पहले ही वो उसका सर काट देता है। अगले दिन हम शिनिची को देखते हैं जो कि अपने स्कूल की तरफ जा रहा होता है और वो पैरासाइट उससे पूछता है, शिनिची क्या हुआ तुम्हें, पुलिस के पास नहीं जाना अब। शिनिची कहता है, नहीं नहीं, अगर तुम्हारे बिना किसी पैरासाइट ने मुझ पर अटैक कर दिया तो मैं तो मर जाऊंगा। और उसका राइट हैंड उसे कहता है कि मुझे मेगी बुलाया करो, जिसका मतलब जापानीज में राइट होता है। अब थोड़ी देर बाद शिनिची अपने स्कूल पहुंच जाता है और मोरानो की एक दोस्त शिनिची से बात करवाने के लिए मोरानो को उसके पास जबरदस्ती भेज देती है और शिनिची मोरानो से माफी मांगता है और कहता है, कल मैंने जानबूझकर वो नहीं किया था, आई एम रियली सॉरी। और थोड़े नखरे करने के बाद ये मोरानो उसे माफ कर देती है और उसके जाने के बाद एक लड़का वहां पर आकर उसे कहता है, और शिनिची जरा बाहर आकर मिल भाई, मुझसे बात करनी है कुछ। और वो लड़का बाहर आकर उसे कहता है, हाँ भी ज्यादा जेम्स बॉन्ड बन रहा तू, मोरानो मेरी बंदी है, समझा कि नहीं समझा तू, पहले बता अगर उसके आसपास भी दिख गया ना बेटा बचेगा नहीं तू। और ये बंदा शिनिची को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लग जाता है और तभी शिनिची का राइट हैंड एक्टिव हो जाता है और उसे एक जोरदार घूसा मारकर दूर गिरा देता है और वो लड़का डरकर वहां से भाग जाता है। अब थोड़ी देर बाद शिनिची की एक फ्रेंड उसे बताती है कि आजकल इंटरनेट पर बहुत ही खतरनाक मर्डर वीडियोस वायरल हो रखी हैं। पुलिस इसके बारे में बिल्कुल चुप है लेकिन उन वीडियोस में डेड बॉडीज लिटरली पीसीस में कट हो चुकी है। घर जाकर शिनिची इसके बारे में रिसर्च करता है थोड़ी और शिनिची कहता है, नहीं ये सब ठीक नहीं हो रहा यार, अगर इसी तरह से चलता रहा तो ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी, मुझे कुछ करना पड़ेगा इसके बारे में। मुझे तो लगता है मुझे तुम्हें पुलिस को सौंप देना चाहिए ताकि वो तुम पर रिसर्च कर सके और तुम्हारी स्पीशीज को खत्म कर पाए। वो पैरासाइट उसे कहता है, पता नहीं तुम्हें ये सब इतना अजीब क्यों लग रहा है, ये तो एक नेचुरल चीज है, सारी स्पीशीज फूड के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होती है और हम पैरासाइट्स को भी अपने सर्वाइवल के लिए एक होस्ट बॉडी की जरूरत होती है, वो तो तुम्हारी खुद की स्पीशीज मारी जा रही है इसलिए तुम इतना इतरा रहे हो। और मिगी शिनिची से ये भी कहता है, शिनिची अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो मेरे पास तुम्हें रोकने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। अपने सर्वाइवल के लिए मैं तुम्हें जिंदा तो रखूंगा लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी आंख जीभ नाक भी काट सकता हूं ताकि तुम वापस कभी बोल ना पाओ। और मिगी का ये रूप देखकर शिनिची बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे एक डीमन कहकर बुलाता है। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और हम एक और पैरासाइट को देखते हैं जो कि मिगी को अपने आसपास सेंस करता है, मुझे मेरी ही स्पीशीज सेंस हो रही है, वो हमारे आसपास ही है लेकिन आसपास इतने सारे लोग होने की वजह से मैं उसे ठीक से सेंस नहीं कर पा रहा हूं, हमें यहां से चलना चाहिए, वो बहुत ही तेजी से हमारी तरफ आ रहा है। और अब चलते चलते शिनिची एक जगह पर आकर रुक जाता है और तभी वो ह्यूमन पैरासाइट वहां पर आ जाता है और मिगी से कहता है, अच्छा तो तुम इसीलिए मुझसे दूर भाग रहे थे, कितने शर्म की बात है, तुम इसका ब्रेन कंट्रोल नहीं कर पाए। और वो पैरासाइट उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है। मिगी उसे कहता है, यहीं रुक जाओ, अगर तुम आगे बढ़े तो मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं इस ह्यूमन से जुड़ा हुआ हूं, अगर तुम इस पर अटैक करोगे तो मुझे मजबूरन तुम्हें मारना होगा। और ये सुनकर वो पैरासाइट उसे कहता है, तुम तो बहुत ही अजीब सिचुएशन में हो, अपने सर्वाइवल के लिए इस बॉडी पर डिपेंड मत रहो, खुद को मेरी बॉडी में ट्रांसफर कर लो। मिगी सोच में पड़ जाता है और कहता है, क्या एक ट्रांसफर। और ये सुनकर वो पैरासाइट उसे कहता है, लगता है अभी भी तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। और उस पैरासाइट का हेड एक लंबे से ब्लेड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस ब्लेड से अपने राइट हैंड को काट लेता है और मिगी से कहता है, अगर तुम चाहो तो मेरे राइट हैंड में आ सकते हो, जगह तैयार है, ज्यादा सोचो मत, जल्दी से अपने होस्ट को खत्म करके मेरी बॉडी में आ जाओ, अगर हम दोनों मिलकर एक ही बॉडी को कंट्रोल करें तो हम कभी नहीं मर सकेंगे और हम बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। अब ये देखकर मिगी सोचने लग जाता है और ये सब देखकर शिनिची बहुत ज्यादा डरा होता है। वो पैरासाइट उसे कहता है, लगता है तुमसे नहीं होने वाला, मुझे ही तुम्हारे होस्ट को खत्म करना पड़ेगा। और वो पैरासाइट शिनिची पर अपने ब्लेड से हमला कर देता है और तभी मिगी अपने ब्लेड से उस होस्ट की बॉडी को बीच में से काट देता है और वो पैरासाइट तड़प तड़प कर मर जाता है। शिनिची मिगी से कहता है, मिगी क्या अभी भी तुमने मेरी जान बचाई। और मिगी उसे कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई ट्रांसफर पॉसिबल था, इसलिए मैंने उसे मार दिया, मेरे पास सिर्फ एक ही लाइफ है और जब तक मुझे अपने बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। अब अगली सुबह हम मुरानो और शिनिची को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद घर की तरफ जाते वक्त वो पार्क में कुछ लड़कों को देखते हैं जो कि एक बिल्ली के बच्चे को रेत में दबाकर उस पर पत्थर मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ये सब देखकर शिनिची उस बिल्ली के बच्चे को उस रेत में से बाहर निकालता है और लोगों से कहता है, ये भी तुम्हारी और मेरी तरह एक लिविंग क्रिएचर है, कोई खिलौना नहीं है खेलने के लिए, समझे तुम। शिनिची वहां से जाने लगता है लेकिन तभी वो बच्चे उस पर पत्थर से हमला करने की कोशिश करते हैं लेकिन शिनिची अपने राइट हैंड से ही उनके पत्थरों को रोक लेता है और शिनिची उनकी तरफ पलट कर देखता है जिसे देखकर वो सभी बच्चे बुरी तरह से डर जाते हैं। और शिनिची और मुरानो अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं और रास्ते में शिनिची मन ही मन सोचता है, शायद मिगी ठीक कह रहा था, हम ह्यूमंस इतने भी अच्छे क्रिएचर्स नहीं है। अब इसके बाद हम उसी बंदे को देखते हैं जिसे हमने थोड़ी देर पहले
पहले देखा था और वो एक फीमेल पैरासाइट के साथ खड़ा होता है। अब अगले दिन शिनिची अपने स्कूल की तरफ जा रहा होता है और तभी रास्ते में मिगी उसे बताता है, शिनिची मेरी स्पीशीज आसपास ही है। और उस पैरासाइट का पीछा करते करते शिनिची अपने स्कूल पहुंच जाता है। अब थोड़ी देर बाद स्कूल शुरू हो जाता है और शिनिची के स्कूल का प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट्स को उनकी न्यू मैथ्स टीचर से इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसका नाम तामिया रियोको होता है और ये वही औरत है जिसे हमने अभी पहले देखा था अभी। और मिगी शिनिची से कहता है, शिनिची यही है वो पैरासाइट। और शिनिची गलती से उस पैरासाइट से आई कॉन्टेक्ट कर लेता है और तामिया उन दोनों को पहचान लेती है। अब इसके बाद हम शिनिची के क्लासरूम के अंदर देखते हैं कि तामिया उन्हें पढ़ा रही होती है और क्लास खत्म होने के बाद तामिया शिनिची को उसके ऑफिस में बुलाती है। शिनिची उससे मिलता है और तामिया उसे कहती है, चिंता मत करो मुझे तुम्हें मारने की कोई इंटेंशन नहीं है, बस तुम मुझे ये बताओ क्या तुम स्कूल के बाहर मुझे कहीं मिल सकते हो। और शिनिची उससे मिलने के लिए मान जाता है और स्कूल खत्म होने के बाद एक ट्रेन पकड़ता है और सीधा जाता है एक होटल में उस पैरासाइट से मिलने के लिए। शिनिची उस होटल के अंदर उसका वेट कर रहा था और तभी तामिया भी वहां पर आ जाती है, जिसके साथ वही पैरासाइट भी होता है जिसे हमने पहले देखा था। शिनिची उन दोनों से मिलता है और वो पैरासाइट शिनिची से कहती है, तो मुझे पता है तुम्हारे राइट हैंड के बारे में, तुम भी एक पैरासाइट हो और अगर मैंने तुम्हारे बारे में स्टेट एजेंसी को बता दिया तो तुम्हारी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी बच्चे, और मैं भी अपनी आइडेंटिटी को सेफ रखना चाहती हूँ, इसलिए अपना मुंह बंद रखना, समझे तुम। और अगर फिर भी तुमने कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी पूरी क्लास को खा जाऊंगी, और हाँ तुम्हारे दोस्त मोरानो भी तो मेरी ही क्लास में है ना। और ये सुनकर शिनिची बुरी तरह से डर जाता है। अब अगली सुबह तामिया बच्चों को क्लासरूम में पढ़ा रही होती है कि तभी मिगी और तानिया को एक पैरासाइट की प्रेजेंस सेंस होती है और मिगी शिनिची से कहता है, शिनिची हम अंडर अटैक है, वो पैरासाइट हमसे बस 150 मीटर की दूरी पर ही है और वो पैरासाइट कोई और नहीं बल्कि तामिया का पार्टनर ही होता है। और अब ये पैरासाइट सिक्योरिटी कैमरा को तोड़कर स्कूल के अंदर घुस जाता है। कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो पैरासाइट उन सभी लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। और अब सिचुएशन को देखकर स्कूल का प्रिंसिपल अनाउंसमेंट कर देता है, सभी लोग यहां से भाग चलो, एक इंट्रूडर स्कूल में घुस चुका है। और वो अनाउंसमेंट सुनकर सभी लोग बाहर जाने लगते हैं स्कूल से। और मिगी शिनिची से कहता है, शिनिची यहीं पर रुक जाओ, हमें उसे मारना होगा, वो हमें ही मारने आ रहा है, बस इस क्राउड की वजह से हमारी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं ढूंढ पा रहा और वो गलती से किसी स्टूडेंट को भी मार सकता है, इसीलिए हमें उसे अकेले में रहकर ही मारना होगा। और शिनिची थर्ड फ्लोर पर जाकर अपने आसपास एक बेंच की वॉल क्रिएट कर देता है और मिगी उसे लड़ने के लिए एक रॉड पकड़ा देता है। और तभी वो पैरासाइट खिड़की तोड़कर शिनिची के सामने आ जाता है और उन दोनों से कहता है, सरेंडर कर दो, तुम दोनों नहीं बच पाओगे। और ये बोलकर वो शिनिची पर हमला कर देता है और मिगी और उस पैरासाइट में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। दरअसल प्लान ये होता है कि मिगी डिफेंस करेगा और शिनिची अटैक। ये पैरासाइट्स ह्यूमंस की कैपेबिलिटीज को बहुत ही नीचा समझते हैं और यही इनकी कमजोरी होती है। और अब शिनिची थोड़ी सी हिम्मत करके धीरे धीरे उस पैरासाइट की तरफ बढ़ता है और उस पैरासाइट की छाती में उस रॉड को घुसा देता है और उस रॉड के थ्रू उस पैरासाइट की बॉडी का सारा ब्लड बाहर निकलने लग जाता है। और अपनी बॉडी को मरता हुआ देखकर वो पैरासाइट तामिया के पास रीएलोकेशन करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, पर हम देखते हैं कि तामिया उसी का वेट कर रही होती है और उसने अपने कमरे में कुछ सिलेंडर्स रखे होते हैं गैस के और उसे धमाके से उड़ा देती है और वो पैरासाइट मर जाता है। अब थोड़े दिनों बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और तामिया प्रेग्नेंट होने की वजह से स्कूल से रिजाइन कर देती है। और शिनिची तामिया से पूछता है, तो इस बच्चे के साथ क्या करने वाली हो तुम? और तामिया उसे कहती है, शायद कुछ एक्सपेरिमेंट्स में काम आ जाए और अगर काम नहीं आया तो इसे खा जाऊंगी और क्या। और ये सुनकर शिनिची थोड़ा सा गुस्से से भर जाता है और तामिया उसे डराने के लिए एक खतरनाक फॉर्म में आ जाती है। मिगी कहता है, शिनिची हम इसे नहीं लड़ सकते, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और तामिया वहां से चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और तामिया की मॉम उससे मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट पे आती है, पर उससे 2 मिनट तक बात करने पर ही उसकी मॉम को रियलाइज हो जाता है कि ये तामिया नहीं है, कोई और है। और उसकी मॉम उससे कहती है, तुम मेरी बेटी नहीं हो, कौन हो तुम, क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ? और वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन तभी वो पैरासाइट तामिया की मॉम को मार देती है। अगली सुबह शिनिची के पेरेंट्स उससे कहते हैं, तो शिनिची हम लोग एक वेकेशन पर जा रहे हैं और अपना ख्याल रखना बच्चे। और शिनिची को गुड बाय कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब इसके बाद हमें एक रोड ट्रिप पर जाते हुए एक कपल को दिखाया जाता है और तभी बीच रास्ते में उन कपल का एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि उन दोनों में से वो लड़की एक पैरासाइट होती है और खुद की बॉडी डिस्ट्रॉयड होने की वजह से अपने हस्बैंड का सर काट के रीएलोकेट हो जाती है उसकी बॉडी में। इसके बाद हम शिनिची को देखते हैं और रास्ते में चलते चलते मिगी उसे बताता है, शिनिची मैं तुम्हारे ब्लड और बॉडी सेल से जुड़ा हुआ हूं और इसकी वजह से साइकोलॉजिकल लेवल पर तुम्हें बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं और ऐसा भी पॉसिबल है कि तुम किसी पैरासाइट की तरह कोई इमोशन या फीलिंग फील ना कर पाओ। और मिगी की ये बात सुनकर शिनिची को उसकी मॉम मुरानो और तामिया की बातें याद आ जाती है क्योंकि वो सभी लोग उसे बोल रहे होते हैं कि वो काफी ज्यादा बदल चुका है पहले से। अब थोड़ी देर बाद शिनिची मुरानो से मिलता है और कुछ गुंडे शिनिची को पीट कर मुरानो को किडनैप कर लेते हैं और शिनिची मुरानो को बचाने के लिए उन गुंडों से भिड़ जाता है और उनसे कहता है, मुरानो को क्यों पकड़ा, जाने दो उसे, दम है तो मुझसे लड़ो ना। और वो गुंडे उसे बहुत बुरी तरह से पीटने लग जाते हैं और बहुत ज्यादा पीटने की वजह से मिगी एक्टिव हो जाता है और शिनिची उसे कहता है, अरे मिगी तुम दूर रहो यहां से, तुम मार दोगे उनको। अब शिनिची किसी तरह से मिगी को कंट्रोल करता है और तभी उस गुंडे की गर्लफ्रेंड काना वहां पर आ जाती है और उसे कहती है, बस करो तुम, क्या लगा रखा ये। और पीछे से शिनिची की पूरी क्लास वहां पर आ जाती है उसे बचाने के लिए। अब मुरानो शिनिची के साथ चलकर उसे उसके घर बुलाती है और उसे बचाने के लिए उसे थैंक्स बोलती है। अब थोड़ी देर बाद मुरानो वहां से चली जाती है और तभी काना वहां पर आ जाती है और वो जैसे ही शिनिची से हाथ मिलाती है उसे बहुत ही अजीब सी सेंसेशंस फील होती है और ये देखकर शिनिची थोड़ा सा घबरा जाता है और घर के अंदर वापस चला जाता है। शिनिची उस लड़की से दूर रहो, उस लड़की के अंदर पैरासाइट की वेवलेंथ को सेंस करने की एबिलिटी है और मुझे
लगता है उसे हमारे बारे में पता चल गया है। अब इसके बाद हम शिनिची की मॉम और डैड को देखते हैं। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी एक पैरासाइट शिनिची के मॉम के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उसकी मॉम का गला काट देता है। शिनिची के डैड को ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि आखिर अभी हुआ क्या। शिनिची के डैड किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं और एक टेलीफोन बूथ में जाकर शिनिची को कॉल करते हैं और शिनिची से कहते हैं, शिनिची तुम्हारी मॉम, मैं पुलिस के पास जा रहा हूं, उस मॉन्स्टर को मैं किसी भी हालत में मार कर रहूंगा। और तभी फोन कट जाता है और अपने फादर की ये सारी बातें सुनकर शिनिची हक्का बक्का रह जाता है और मिगी उसे कहता है, शिनिची मुझे मेरी ही स्पीशी सेंस हो रही है और वो हमारी तरफ बहुत तेजी से आ रही है। और शिनिची उस क्रीचर को मारने के लिए एक चाकू पकड़ लेता है और डोर की तरफ चल पड़ता है। धीरे धीरे वो मॉन्स्टर शिनिची की तरफ बढ़ता है और हमें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि उसकी मॉम होती है जिसे अब एक पैरासाइट कंट्रोल कर रहा है। शिनिची को ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता और उस पैरासाइट को अपनी मॉम समझकर ही उससे नॉर्मल बातें करने की कोशिश करता है। पर मिगी उसे कहता है, क्या कर रहे हो शिनिची, ये तुम्हारी मॉम नहीं है, ये बस एक पैरासाइट है। शिनिची कहता है, ओए तुम चुप करो, ये मॉम ही है। और शिनिची अपनी मॉम मतलब कि उस पैरासाइट से कहता है, अरे मॉम मुझे माफ कर देना, मैं इसके बारे में आपको सब कुछ बताता हूँ, अब से कुछ नहीं छुपाऊंगा आपसे, प्रॉमिस। और तभी उस पैरासाइट का सर बीच में से खुल जाता है और वो पैरासाइट अपने ब्लेड से शिनिची के हार्ट पर हमला कर देता है। और फाइनली शिनिची को रियलाइज होता है कि ये उसकी मॉम नहीं है बल्कि कोई पैरासाइट है। अब शिनिची वो वार खाने की वजह से नीचे जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब शिनिची मरने वाला था और तभी मिगी उसे बचाने के लिए एक नया हार्ट क्रिएट करके उसके शरीर में डाल देता है और थोड़ी देर बाद शिनिची का हार्ट पंप करने लगता है। अब कुछ दिनों बाद शिनिची खुद से उठ जाता है और एक मिरर में जाकर देखता है कि उसके हार्ट पे एक बहुत बड़ा छेद हो चुका था और वो समझ जाता है कि मिगी ने उसे बचा लिया है। अब शिनिची को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके फादर एक हॉस्पिटल में एडमिट है और उसे सारी पिछली बातें याद आने लगती है और अब वो उस पैरासाइट को किसी भी हालत में मारने के लिए डिसाइड करता है। और अब हॉस्पिटल जाते हुए उसे एक यंग स्टूडेंट मिलती है जो कि उस हॉस्पिटल के पास ही काम करती है। अब हॉस्पिटल जाकर शिनिची सीधा अपने डैड के सामने जाता है और उनसे उस मॉन्स्टर के बारे में पूछता है और कहता है, डैड कहाँ है मॉम। लेकिन उसके डैड उसे कुछ भी बताने से मना कर देते हैं और वो रोने लग जाते हैं। शिनिची को समझ में नहीं आता कि उसके फादर इस बात को क्यों छुपा रहे हैं और वो काफी गुस्से में कहता है, मुझसे कुछ मत छुपाइए, मुझे पता है एक मॉन्स्टर ने मॉम को मार डाला है। और ये बोलकर शिनिची के हार्ट में बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है। अब शिनिची उसी लड़की के घर में जाकर रहने लगता है और ये घर हॉस्पिटल के काफी नजदीक भी था। और अब रात को मिगी शिनिची को बताता है कि उसके हार्ट को रिपेयर करने की वजह से वो दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा जुड़ चुके हैं और वो एक दूसरे को अब काफी ज्यादा इफेक्ट भी करेंगे। और मिगी बोलता है, शिनिची अब मुझे कम से कम 4 घंटे की जरूरत पड़ेगी नींद की और उन 4 घंटों में मैं कुछ भी फील नहीं कर पाता और अगर उस टाइम किसी पैरासाइट ने तुम पर अटैक कर दिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए अब तुम्हें हमेशा अलर्ट रहना होगा। अब अगले दिन मिगी को एक पैरासाइट की प्रेजेंस सेंस होती है और शिनिची उस पैरासाइट को ढूंढते ढूंढते बहुत बड़ी बड़ी छलांगे मारता हुआ उसका पीछा करना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि वो वही पैरासाइट है जिसने उसकी मॉम को मारा था और शिनिची अपनी पूरी स्पीड से उस पैरासाइट की तरफ भागने लगता है। पर शिनिची उस पैरासाइट के पास जाकर देखता है कि वो मॉन्स्टर कोई और ही है, उसकी मॉम नहीं है। और तभी उस बंदे के फेस से उसका पैरासाइट बाहर निकलकर आता है जिसे देखकर शिनिची थोड़ा सा घबरा जाता है। वो बंदा बोलता है, तुम्हारा पैरासाइट सही बोल रहा भाई, मेरा ब्रेन अभी भी फंक्शनल है। अब वो बंदा शिनिची और मिगी को अपना पास्ट बताने लगता है और बताता है, मेरी शादी के 1 साल बाद ही मेरी वाइफ ने मुझे छोड़ दिया और मुझे बिना कुछ बताए चली गई। मैं इतना कमजोर था कि मुझसे अपनी जान तक नहीं ली गई और एक दिन मैं सनसेट देख रहा था और अचानक से मैंने एक छोटे से कीड़े को अपनी तरफ आता हुआ देखा और गलती से इस पैरासाइट ने मेरी नेक को टारगेट कर लिया। और तभी उस बंदे का पैरासाइट बाहर निकल कर आता है और बोलता है, अरे मेरा मकसद तो इसके हेड को टेक ओवर करना था लेकिन ये गधा उस चट्टान से गिरकर नीचे समुंदर में गिर गया और मैंने नोटिस किया है कि ये बंदा सांस नहीं ले पा रहा था और इसीलिए मेरे पास उसकी नेक में मर जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अगर मैं उस वक्त हेड को टेक ओवर करने की कोशिश करता तो हम दोनों में से कोई नहीं बच पाता। अब वो बंदा शिनिची और मिगी से पूछता है, तो भाई तुम लोग भी बताओ तुम कौन हो और मुझे क्यों मारने आ रहे थे तुम। अब शिनिची उसे बताता है कि उसका नाम शिनिची है और मेरे इस पैरासाइट का नाम मिगी है, जिसके बाद वो पर्सन अपना इंट्रोडक्शन देता है और अपना नाम मोमरू बताता है। भाई मेरे पैरासाइट का तुम बस इसको पैरासाइट बोलो, मैंने इसको कोई नाम वगैरह नहीं दिया। अब शिनिची की मॉम और डैड के बारे में सुनकर मोमरू रोने लग जाता है जिसकी वजह से उसका पैरासाइट इरिटेट होकर बोलता है, भाई बस यही प्रॉब्लम है इसमें, जब देखो तब रोता रहता है, रो तुड़ू कहीं का। मोमरू बताता है कि वो पास के ही एक होटल में काम करता है और अगर उसे उस पैरासाइट के बारे में कुछ भी पता चला जिसने उसकी मॉम को मारा है तो वो उसे जरूर बताएगा। अब काफी रात हो जाती है और मिगी शिनिची को नींद से उठाकर बोलता है, शिनिची मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। मिगी शिनिची को कहता है, शिनिची आज तुम एक एथलीट की तरह भागे हो और तुमने 3 मीटर ऊंची जंप लगाई थी, क्या तुम्हें ये सब अजीब नहीं लगा। मिगी शिनिची को अपने आप को डिवाइड करके दिखाता है और बताता है कि मेरे दोनों हाफ सोचने समझने की क्षमता रखते हैं लेकिन अगर मैं इसी तरह और भी छोटे छोटे पार्ट्स में खुद को डिवाइड करता रहूं तो मेरे हर एक पार्ट की सेंसेस वीक पड़ने लग जाती है और ये अपने आप सर्वाइव नहीं कर सकते लेकिन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मेरे स्मॉल फ्रेगमेंट्स सर्वाइव कर सकते हैं। जिस भी जगह पर फ्रेश कंटिन्यूस ब्लड का फ्लो रहता है मेरे फ्रेगमेंट्स वहीं पर सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि तुम्हारी बॉडी। और इनफैक्ट जो मिगी तुमसे अभी बात कर रहा है वो मिगी का सिर्फ 70% ही है। और मिगी उसे बताता है, शिनिची जब मैं तुम्हारे हार्ट को रिपेयर कर रहा था तो मैंने अपने सारे पार्ट्स को तुम्हारी ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू तुम्हारे हार्ट में जाने के लिए बोला और उसकी वजह से तुम्हारी पूरी बॉडी में मेरे फ्रेगमेंट्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और अब जो फ्रेगमेंट्स तुम्हारी बॉडी में जा चुके हैं वो इतने ज्यादा छोटे हैं कि मैं उन्हें कमांड नहीं कर पा रहा हूँ। शिनिची मिगी से पूछता है, तो मिगी क्या ये फ्रेगमेंट्स मेरे ब्रेन में भी
नहीं हो सकते हैं। बिगी बोलता है, नहीं शिनिची, उनमें कॉन्शियसनेस नहीं है, तुम चिंता मत करो, वो तुम्हारे ब्रेन पर अटैक नहीं कर सकते। अब शिनिची याद करता है कि जब वो अपने फादर से मिलने आया था उस हॉस्पिटल में, तो उस वक्त भी वो रोया नहीं था, उसकी आंखों में से एक आंसू तक नहीं टपका, और मोमरू को भी रोता हुआ देखकर उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरा। शिनिची ये सब इसलिए सोच रहा होता है क्योंकि उसे डाउट होता है कि मिगी की उसकी बॉडी के अंदर मिलने की वजह से कहीं वो इमोशनलेस ना हो गया हो। अब नेक्स्ट डे शिनिची माकी से पूछता है, वही लड़की जिसे हमने पहले देखा था, वही हॉस्पिटल के पास रहने वाली लड़की, और शिनिची उसे पूछता है, माकी क्या मैं तुम्हें नॉर्मल लगता हूँ? माकी उसे कहती है, हाँ मुझे तो नॉर्मल लगते हो, हाँ बस थोड़े से वियर्ड हो और कुछ नहीं। और माकी वहाँ से जाने लगती है। तभी मामरू शिनिची को कॉल करता है और बताता है, शिनिची एक पैरासाइट मेरे आसपास है और शायद ये वही है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। मामरू बताता है कि वो पैरासाइट मेरे पास आ रहा है बहुत ज्यादा, और वो मुझसे सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। शिनिची मामरू को कहता है, मामरू जल्दी वहाँ से निकलो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। रुक रुक भाई, आ गया मैं, आ गया, रुक तू। और शिनिची की मोम का पैरासाइट मामरू को भागते हुए देख लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, और अभी शिनिची मामरू की तरफ भागता है। और तभी मिगी उसे बताता है कि उसने अभी एक दूसरे पैरासाइट को भी डिटेक्ट किया है जो कि होती है शिनिची की मदर। मामरू अपने पैरासाइट को समझाता है कि अगर हमें इस डेंजरस पैरासाइट के साथ लड़ना है तो हमें शिनिची का साथ देना होगा। और हम देखते हैं कि इतने क्रूशियल टाइम पर शिनिची के पैरासाइट मिगी को नींद आ जाती है और वो सो जाता है, लेकिन वो सोने से पहले अपने आप को एक ब्लेड में कन्वर्ट कर देता है। अब मामरू भागते भागते एक शोर पर पहुंच जाता है, और तभी शिनिची की मॉम भी वहां पर आ जाती है और अटैक के लिए खुद को रेडी करती है, और अब वो दोनों पैरासाइट्स बहुत ही एग्रेसिवली फाइट करना शुरू कर देते हैं। शिनिची की मॉम का पैरासाइट उसे बोलता है, तुम मेरे सामने कहीं स्टैंड नहीं करते क्योंकि मैं पूरी तरह से एक ह्यूमन ब्रेन में फ्यूज्ड हूं। और शिनिची की मॉम का पैरासाइट मामरू की चेस्ट में स्टैब कर देता है जिससे उसे काफी चोट पहुंचती है और वो नीचे गिर जाता है। तभी शिनिची वहां पर आ जाता है, और शिनिची की मॉम शिनिची को देखकर काफी हैरान हो जाती है और बोलती है, अरे तुम मेरे अटैक से बच कैसे गए, मैंने तो तुम्हारे हार्ट को पंक्चर कर दिया था। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तुम्हारे हार्ट को पंक्चर किया था लेकिन तुम किसी तरह से उस अटैक को सर्वाइव कर गए, इससे अच्छा तो मैं तुम्हारे हेड को ही एलिमिनेट कर देती। अब शिनिची को ये सब सोचकर गुस्सा आ रहा होता है कि वो पैरासाइट उसकी मॉम की वॉइस में बात कर रहा होता है, और वो पैरासाइट उसे कहती है, अब तुम भी अपनी मॉम की तरह मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो पैरासाइट सोच रही होती है कि इसके राइट हैंड का सिग्नल काफी कमजोर है, तो इसका मतलब कि वो पैरासाइट अभी सो रहा है और ये ह्यूमन अकेला ही है। और तभी शिनिची की मॉम उस पर अटैक करने शुरू कर देती है, लेकिन शिनिची बहुत इजीली उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है जिसे देखकर उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। और तभी वो मामरू को देखता है जो कि नीचे पड़ा हुआ था, और उसे इंजर्ड देखकर शिनिची बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस पैरासाइट पर अटैक करता है और उसे इंजर्ड कर देता है। वो पैरासाइट के नेक को टारगेट करने की कोशिश करता है और उस पैरासाइट के एक पार्ट को काट देता है। और अब जैसे ही शिनिची नेक पर अटैक करने जाता है तो वो अपने मॉम का जला हुआ हाथ देखकर रुक जाता है, जिसका फायदा वो पैरासाइट उठा लेता है और शिनिची के सिर पर एक हमला कर देता है। और तभी शिनिची की मॉम पर एक अटैक होता है और उसके हेड के बहुत सारे पीसेस हो जाते हैं, और ये अटैक मामरू के पैरासाइट ने किया होता है। अब मरने से पहले वो पैरासाइट उससे पूछता है, लेकिन तुम मेरे अटैक से बच कैसे गए, मैंने तो तुम्हें मार दिया था। मामरू का पैरासाइट उसे बताता है, तुम्हारे अटैक्स का पैटर्न बिल्कुल सेम था और मैंने इसके हार्ट और बाकी के वाइटल ऑर्गन्स को दूसरी जगह पर ट्रांसप्लांट कर दिया था, और मैंने तुम्हें ऐसा लगने दिया कि तुमने हमारे हार्ट को पंक्चर कर दिया है। अब इसके बाद शिनिची उस एरिया से जाने लगता है, और उसके अगले दिन हमें काना को दिखाया जाता है, और मोरानो भी देखती है कि शिनिची वापस आ गया है। अब इसके बाद हम रेयोको तामिया को देखते हैं जो कि एक पैरासाइट से बोलती है, तुम्हें शिनिची पर नजर रखनी है, आपसे ध्यान रखना, तुम्हें उसे मारना नहीं है, वो हमारे लिए डेंजरस तो है लेकिन वो हमारी स्पीशीज का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए एक वैल्यूएबल एसेट बन सकता है। अब इसके बाद हम कोना को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रही होती है, लेकिन तभी मिस्सू उसे आवाज लगाता है और वो नोटिस करता है कि काना अपने फोन में शिनिची की पिक्चर को देख रही होती है। वो उससे पूछता है, तो ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? कोना मिस्सू को अपने काम से काम रखने के लिए बोलती है और वहां से चली जाती है। मिस्सू शिनिची से पूछता है, अभी तो तुम्हारे बीच में कुछ चल रहा है क्या? लेकिन शिनिची कहता है, ना भाई हम दोनों में तो कुछ नहीं चल रहा, मैं तो अभी भी आया हूं, मैं तो टाउन के बाहर था भाई, क्या हो गया तुम्हें? लेकिन मिस्सू गुस्से में शिनिची को पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन शिनिची बहुत ही आसानी से उसके सारे पंचेस को डॉज कर लेता है और उसे हल्के से ही पुश करके नीचे गिरा देता है। और अब शिनिची का चेंज्ड एटीट्यूड देखकर मिसुआ और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर बहुत सारे अटैक्स करता है, लेकिन शिनिची उसके सारे पंचेस से बच जाता है। और तभी मुरानो वहां पर आ जाती है और उन दोनों को एक साथ में देखकर थोड़ा सा घबरा जाती है कि ये दोनों फिर से तो नहीं फाइट कर रहे। शिनिची मुरानो से कहता है, मुरानो तुम चिंता मत करो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब शिनिची और मुरानो एक साथ कहीं पर जा रहे होते हैं और मुरानो शिनिची से पूछती है, शिनिची क्या तुम्हारे साथ ट्रिप पर कुछ हुआ था क्या, क्योंकि तुम थोड़े अलग दिख रहे हो। कोना एक बेंच पर बैठी होती है और तभी शिनिची वहां पर आ जाता है, लेकिन उसके साथ मुरानो को देखकर वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। अब रात हो जाती है और शिनिची कंप्यूटर पर कुछ रिसर्च कर रहा होता है और शिनिची मिगी से कहता है, मिगी मुझे लगता है मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है, मैं रो नहीं पा रहा हूँ। अब शिनिची मन में सोच रहा होता है कि मिगी की सेल्स मेरी बॉडी में मिलने की वजह से उसकी लाइफ काफी बदल चुकी है और उसकी सेंसेस अब पहले से बहुत ही ज्यादा तेज हो चुकी है, उसकी हियरिंग भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है और अगर वो थोड़ा सा फोकस करे तो वो किसी की भी बातों को सुन सकता है। और तभी शिनिची को एक आवाज सुनाई देती है और वो मुरानो को वहां से जाने के लिए कहता है। शिनिची को ऐसा फील होता है कि जैसे कोई उससे हेल्प मांग रहा है और तभी उस आवाज का पीछा करते हुए शिनिची देखता है कि एक पपी सड़क पर इंजर्ड पड़ा हुआ था। शिनिची उस पपी
को उठाकर पार्क में आ जाता है और मुरानो भी वहाँ पर आ जाती है और शिनिची को कहती है, शिनिची मुझे तुम काफी अलग लग रहे हो, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, तुम इतने काम कैसे दिख रहे हो। और अब शिनिची कहता है, नहीं मुरानो ऐसा तो कुछ नहीं है। अब शिनिची नोटिस करता है कि वो पपी मर चुका है और वो उठकर उस पपी को डस्टबिन में फेंक देता है और ये देखकर मुरानो हक्की बक्की रह जाती है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, शिनिची तुम पागल वागल हो क्या, ये क्या किया तुमने, तुम्हारा ये बिहेवियर बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल है, तुम इंसान हो ये मॉन्स्टर। शिनिची बोलता है, अरे इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो तुम, अब ये कोई पपी नहीं है, सिर्फ एक डॉग मीट है। मुरानो ये चीज सुनकर रोने लग जाती है और वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। और अब थोड़ी देर बाद शिनिची उस पपी को निकालकर एक पेड़ के नीचे दफना देता है और उसे आखिरी बार गुड बाय कहता है। तभी मिगी शिनिची से कहता है, शिनिची एक पैरासाइट हमारे आसपास है, मुझे इस पैरासाइट से कोई मर्डरस इंटेंट नहीं नजर आ रहा, शायद ये पैरासाइट हमारा एनिमी नहीं है, हमें सेंस करने के बावजूद भी ये काफी ज्यादा शांत है। और तभी वो पैरासाइट शिनिची के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और पूछता है, क्या तुम ही शिनिची हो। शिनिची बोलता है, हाँ मैं ही हूँ, लेकिन तुम कौन हो और मेरे स्कूल में क्या कर रहे हो तुम। पैरासाइट बोलता है, मुझे तुम शिमाडा कह सकते हो और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे दोस्त बन जाओ, जिससे शिमाडा का मतलब शिनिची और मिगी से होता है। और यामाडा उसे कहता है, तो शिनिची क्या तुम मुझे क्लास 3 की लोकेशन बता सकते हो कि कहाँ पर है। ये सुनकर शिनिची थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि क्लास 3 मुरानो की क्लास होती है और उसे याद आता है कि आज उन दोनों की क्लासेस के बीच में एक फिजिकल फिटनेस का कॉम्पिटिशन चलने वाला है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स की रेस होती है और शिमाडा शिनिची और बाकी के स्टूडेंट्स को काफी आसानी से हरा देता है। और कॉम्पिटिशन के बाद वो एक जगह पर आकर मिलते हैं और शिनिची उसे कहता है, मुझे पता है मैं जैसे ही तुम्हारे साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाऊंगा तुम मुझ पर हमला करने वाले हो, क्या तामिया ने तुम्हें भेजा है मुझे मारने के लिए। शिमाडा कहता है, हाँ उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, लेकिन चिंता मत करो उसने मुझे तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए नहीं भेजा है। अब इसके बाद मुरानो क्लास से बाहर आती है और नोटिस करती है कि शिनिची विंडो की साइड खड़ा होता है। मुरानो के दिमाग में वही पपी वाला इंसिडेंट दोबारा से आता है, लेकिन फिर वो सोचती है कि एटलीस्ट शिनिची ने उसे उठाया तो सही ना, ज्यादातर लोग तो उसे बस इग्नोर कर देते। शिनिची मन में सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए, अगर वो पैरासाइट्स सच में ह्यूमंस के साथ कोएग्जिस्ट करने का सोच रहे हैं तो हो सकता है वो लोग एक अच्छा सा प्लान बना ले। लेकिन शिनिची सोचता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इस चीज से तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन पैरासाइट है और कौन ह्यूमन, ये चाहे जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो ये बस कीड़े हैं, मैं कभी नहीं भूलूंगा इन्होंने ही मेरी मॉम को मारा। तभी मुरानो शिनिची को आवाज लगाती है और शिनिची का चेहरा देखकर मुरानो डर जाती है और शिनिची से बात किए बिना फिर से वहां से चली जाती है। अब इसके बाद हम कोना को देखते हैं जो कि बैठी हुई सोच रही होती है कि मेरे अंदर एक स्पेशल पावर है जिससे मैं अपने सोलमेट यानी कि शिनिची को सेंस कर सकती हूँ। कोना शिनिची की प्रेजेंस को सेंस करती है लेकिन वो शिनिची नहीं शिमाडा होता है। तभी शिनिची भी वहां पर आ जाता है। अब शिमाडा वहां से जाने लगता है और सोचता है ये काफी स्ट्रेंज है, इसके पैरासाइट से मुझे बहुत ही कम सिग्नल्स आ रहे हैं। तभी मुरानो वहां पर आ जाती है और शिनिची को कोना के साथ देखकर चिढ़ जाती है और वहां से चली जाती है। अब शिनिची के साथ जाते हुए कोना उसे बताती है, शिनिची मेरे अंदर टेलीपैथी वाली पावर्स है और जब भी तुम मेरे आसपास होते हो तो मुझे पता चल जाता है, लेकिन किसी वजह से आज मैंने तुम्हें गलत जज कर लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि शिमाडा एक पोस्टर को देख रहा होता है और सोचता है आज मैं अपना शिकार फंसाने के लिए इसका चेहरा यूज करूंगा और अपने चेहरे को एक मॉडल में बदलने के बाद एक लड़की के सामने आ जाता है और उसे पूरी सिटी को घुमाने का ऑफर देता है। वो लड़की इस बात के लिए मान जाती है और इस तरफ शिनिची अपने घर आ जाता है और देखता है कि उसके फादर ड्रिंक कर रहे होते हैं और उसके फादर शिनिची से पूछते हैं, शिनिची बेटा तुम इतने स्ट्रांग कब से बन गए, ऐसा लगता है जैसे तुम कोई स्टील के बने हुए हो, तुम्हारे अंदर कोई इमोशन नहीं दिखता मुझे। लेकिन शिनिची उनकी इस बात पे कोई भी रिएक्ट नहीं करता और चुपचाप वहां से चला जाता है। उसी रात को हम युता को देखते हैं जो कि शिमाडा का स्केच बना रही होती है और हमें पता चलता है कि इसे शिमाडा पसंद है और उसका क्रश है और दूसरी तरफ ये शिमाडा उस लड़की को मारकर खा रहा होता है। अब अगले दिन शिनिची स्कूल आ जाता है, मुरानो उसे नोटिस करती है लेकिन उससे बिना कुछ बोले ही वहां से चली जाती है। शिमाडा पेड़ के पीछे खड़ा होता है और शिनिची को नोटिस कर रहा होता है और सोच रहा होता है ये काफी अजीब बात है, उसके पैरासाइट का सिग्नल कितना वीक है, क्या वो पैरासाइट सो रहा है। और शिनिची के पैरासाइट का रिएक्शन देखने के लिए शिमाडा मर्डरस इंटेंट की फीलिंग को जगा देता है लेकिन मिगी सो रहा होता है जिसकी वजह से शिनिची को कुछ भी पता नहीं चलता और वहां से चला जाता है। और तभी युको वहां पर आ जाती है और वो शिमाडा को नोटिस करती है और तभी एक बहुत दूर से एक बॉल उड़ती उड़ती उसकी तरफ आती है और उसके सर से टकरा जाती है जिसकी वजह से उसका हेड का वो हिस्सा डैमेज हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये शिमाडा अपने डैमेज हिस्से पर अपना हाथ रखता है और जैसे ही वो अपना हाथ हटाता है तो वो हिस्सा पूरी तरह से ठीक हो चुका होता है। ये देखकर युको बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। अब घर चलने के बाद मिगी शिनिची को बताता है, तुम काफी स्ट्रांग हो गए हो शिनिची, तुम्हारे थॉट्स भी काफी लॉजिकल हो चुके हैं, तुम पहले से काफी बेहतर हो चुके हो, इसलिए आज के लोग जब तुम्हें देखते हैं तो उन्हें लगता है कि तुम बदल गए हो, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। इसके बाद हम युको को देखते हैं जो कि उसी शिमाडा वाले इंसिडेंट के बारे में सोच रही होती है और तभी युको शिमाडा को टॉयलेट जाता हुआ नोटिस करती है और जैसे ही वो वापस बाहर आता है तो वो देखती है कि शिमाडा ने अपने क्लोथ्स को चेंज कर लिया होता है। शिमाडा एक गली के अंदर जाता है और अपने फेस को चेंज कर लेता है जिसे देखकर युको बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब और रात को युको मन में सोच रही होती है कि क्या शिमाडा भी एक पैरासाइट है, क्या ये बात मुझे अपने भाई को बतानी चाहिए, लेकिन फिर वो सोचती है हो सकता है मैं उसके बारे में गलत सोच रही हूँ। युको इसके बाद डिसाइड करती है कि वो शिमाडा को खुद कन्फ्रंट करेगी कल। अब अगले दिन वो स्कूल जाती है और एक सेफ्टी के लिए एक एसिड की बॉटल ले लेती है। शिमाडा युको के पास आता है जिसने उसे बुलाया होता है एक कमरे में मिलने के लिए। शिमाडा वहां पर आता है और कहता है, हाँ तुमने मुझसे कुछ बात करनी थी। युको बोलती है, तुम शायद मुझे नहीं जानते हो लेकिन मेरी नजर तब से तुम्हारे ऊपर है जब से तुम यहाँ पर आए हो, मैं ऐसा बिलीव नहीं करना चाहती कि तुम किसी और दुनिया के हो, मैंने तुम्हें देखा था, तुमने अपना फेस चेंज किया, बस मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी पर प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। शिमाडा उसे पूछता है, तुमने इस
इसके बारे में और किस किस को बताया है। और इस तरफ शिनिची क्लासरूम के अंदर बैठा होता है और मिगी शिनिची को शिमाडा के मर्डरस इंटेंट के बारे में बताता है और शिमाडा यूको की बातें सुनकर अपनी ट्रू फॉर्म में आने लगता है, जिसे देखकर यूको बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। और अब शिमाडा के बारे में पता लगने की वजह से शिनिची बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मिगी से पूछता है, कहां पर है वो, जल्दी बताओ मुझे। और सारी क्लास शिनिची के स्ट्रेंज बिहेवियर को देख रही होती है कि आखिर कर क्या रहा भाई, पागल पागल हो गया ये। शिनिची नोटिस करता है कि यूको अपनी जगह पर नहीं थी। शिनिची जल्दी से क्लास के बाहर जाता है उसे बचाने के लिए और इस तरफ यूको उस पैरासाइट को देखकर बहुत ज्यादा डरी होती है और शिमाडा बोलता है, तुम ज्यादा मूव मत करो तुम्हें तकलीफ होगी। शिमाडा यूको पर एक अटैक करता है लेकिन यूको उस अटैक से बच जाती है और वो बोतल नीचे गिर जाती है जो यूको ने प्रोटेक्शन के लिए ली होती है। यूको शिमाडा पर उस बोतल को फेंकती है और शिमाडा उस बोतल को अपने ब्लेड से तोड़ देता है लेकिन उस बोतल के अंदर एक केमिकल होता है और वो सारा केमिकल शिमाडा के ऊपर गिर जाता है जिसकी वजह से वो दर्द से चिल्लाने लग जाता है और यूको इस मौके का फायदा उठाकर विंडो से बाहर आ जाती है। शिमाडा उस विंडो को ब्रेक करता है और उसे छुपा हुआ देख लेता है और अब जैसे ही वो यूको पर अटैक करता है यूको बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है। अब शिमाडा बहुत ही ज्यादा पेन में होता है और सोचता है, मुझे किसी भी हालत में दूसरे ह्यूमन को होस्ट बनाना होगा लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। उसका पैरासाइट ये फील करता है कि इस ह्यूमन की बॉडी अपने आप को दोबारा से रिस्टोर नहीं कर पा रही है अपनी नॉर्मल फॉर्म में, लेकिन वो डिसाइड करता है कि उसे किसी तरह से तो अपने आप को ठीक करना ही होगा। और तभी एक टीचर और दो स्टूडेंट्स वहां पर आ जाते हैं और शिमाडा से पूछते हैं, कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो। शिमाडा अपने ब्लेड्स को निकालता है और उन दोनों को मार देता है। मिगी ये सब सेंस कर लेता है और शिनिची को बताता है और तभी एक बच्चा वहां पर आता है और बताता है उस तरफ वो पैरासाइट उस तरफ है और पास में खड़े दो टीचर्स को आवाज लगाता है, जल्दी से जाओ वहां पर एक पैरासाइट है पता नहीं क्या है वो। अब शिनिची शिमाडा के पास जाने लगता है भागकर और वो देखता है कि उसके क्लास के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ लगी होती है। तभी मिगी बोलता है, शिनिची ऐसी सिचुएशन में लड़ना ठीक नहीं होगा, हमें इन सभी के साथ स्कूल से बाहर निकलना ही होगा। अब वो सभी स्टूडेंट्स स्कूल के बाहर आ जाते हैं और एक टीचर उन्हें कहती है कि कंफर्म करो सारे आ गए ना यहाँ पे, कोई बचा तो नहीं। और तभी एक टीचर बोलता है, अरे रमन सर क्लास 3 का कोई भी स्टूडेंट नहीं आया यहाँ पर। शिनिची ये बात सुन लेता है और बहुत ज्यादा पैनिक करने लग जाता है क्योंकि वो मुरानो की क्लास थी। शिनिची जल्दी से स्कूल के अंदर जाता है और मिगी से शिमाडा की लोकेशन के बारे में पूछता है। शिमाडा अभी भी अपने मर्डरस इंटेंट में होता है और जो भी उसके रास्ते में आ रहा होता है वो उसे मारता चला जाता है। बाकी स्टूडेंट्स भी स्कूल के बाहर भागते हुए दिखाई देते हैं हमें, लेकिन उन स्टूडेंट्स पे भी उसे मुरानो नहीं नजर आती। मिगी बताता है कि शिमाडा थर्ड फ्लोर पर है। शिनिची भागकर थर्ड फ्लोर पर जाता है और वहां पर देखता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाशें पड़ी हुई हैं और शिनिची बहुत ज्यादा पैनिक करने लग जाता है और उसके हार्ट में बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। मिगी शिनिची से कहता है, शिनिची सब कुछ ठीक है तुम चिंता मत करो। शिनिची मिगी से पूछता है कि शिमाडा कहां पर है। मिगी बताता है वो हमसे 60 मीटर दूर है। शिनिची अपनी आंखें बंद करता है और नोटिस करता है कि 3 स्टूडेंट्स अपनी जान बचाकर छुपे हुए हैं। शिनिची उन 3 स्टूडेंट्स के पास जाता है और वहां पर उसे मुरानो भी दिखती है। मुरानो बहुत ही ज्यादा डरी होती है और शिनिची बोलता है, चिंता मत करो सब ठीक है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। शिनिची उन तीनों को कहता है, तो ठीक है अब हम सभी लोग इकट्ठे यहां से नीचे जाएंगे, अब वो जगह सेफ है, वो मॉन्स्टर वहां से जा चुका है। एक स्टूडेंट बोलता है, एक मिनट तुम इतनी आसानी से उस रास्ते से कैसे आ गए, इसका मतलब तुम भी एक मॉन्स्टर हो। और वो दोनों स्टूडेंट्स शिनिची को एक मॉन्स्टर समझकर वहां से भागने लगते हैं और मारे जाते हैं। शिनिची मुरानो को उठाता है और एक क्लासरूम के अंदर ले आता है और जैसे ही शिमाडा क्लासरूम के पास आता है शिनिची क्लासरूम से नीचे जंप लगा देता है और मुरानो को लेकर वहां से भाग जाता है। शिनिची मुरानो को एक ग्राउंड के अंदर लेकर आता है और बोलता है, तुम यहां पर बिल्कुल सेफ रहोगी। और तभी स्कूल में पुलिस पहुंच जाती है और शिमाडा अभी भी स्कूल के अंदर घूम रहा होता है। पुलिस उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन शिमाडा उन सभी को मार रहा होता है। मिगी शिनिची को बताता है, शिनिची उन गोलियों से वो नहीं मरने वाला, अगर पुलिस उसे मारना चाहती है तो उन्हें शिमाडा के हेड या उसके हार्ट को टारगेट करना होगा। अब शिनिची एक बिल्डिंग के टेरेस पर चढ़ता है और देखता है कि शिमाडा भी एक बिल्डिंग के टेरेस पर आ चुका है। मिगी बोलता है, शिनिची तुम क्या करने की सोच रहे हो। और शिनिची उसे कहता है, मिगी मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम अपनी सारी ताकत को मेरे राइट हैंड में ट्रांसफर कर दो। और अब अपने राइट हैंड में वो एक पत्थर को पकड़ता है और अपनी सारी स्ट्रेंथ इकट्ठी करके अपने हैंड को बहुत ही खतरनाक रूप में लेकर आकर उस स्टोन को फेंकता है शिमाडा के ऊपर और इतनी ज्यादा स्पीड की वजह से वो स्टोन सीधा उसके हार्ट पर जाकर लगता है और शिमाडा आखिरी बार मिगी को उस बिल्डिंग की छत पर खड़ा हुआ नोटिस करता है और मर जाता है। तभी पुलिस भी टेरेस पर पहुंच जाती है और उसे मरा हुआ देखती है। शिनिची टीवी पर शिमाडा की न्यूज को देखता है और मिगी को बोलता है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि लोग अभी भी सच्चाई को क्यों नहीं सामने लेकर आते, उन्हें सबके सामने उसकी बॉडी लेकर आनी चाहिए और दुनिया को दिखाना चाहिए कि ये पैरासाइट्स कैसे दिखते हैं, कितने घिनौने दिखते हैं ये लोग। शिनिची तो उससे क्या होगा। शिनिची उसे बताता है, अगर ऐसा हुआ तो लोगों में अवेयरनेस पैदा होगी पैरासाइट्स के लिए और इनसे बचने का कोई सॉल्यूशन भी निकाला जाएगा फिर। और दूसरी तरफ एक ऑफिशियल्स की मीटिंग हो रही होती है और एक ऑफिसर बोलता है, तो अभी तक हमने इन पैरासाइट्स की एग्जिस्टेंस को छुपा कर रखा है लेकिन अब सच को छुपाए रखना काफी मुश्किल हो गया है। दूसरा ऑफिसर बोलता है, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, इस तरह के अनाउंसमेंट से पब्लिक में काफी कियोस पैदा हो जाएगा और कुछ ह्यूमंस तो ये भी कहते हैं कि अमेरिकन इन पैरासाइट्स को कैप्चर करना चाहते हैं तो उससे जंग का खतरा भी बढ़ जाता है, वो लोग इन पैरासाइट्स को एज अ मिलिट्री
भी वेपन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक तीसरा ऑफिसर कहता है, पर अब टाइम आ चुका है इन पैरासाइट्स को पब्लिक के सामने लेकर आने का, हम कब तक ऐसे इन्हें छुपा कर रखेंगे। तभी एक चौथा ऑफिसर बोलता है, हां तो ठीक है पर हम बोलेंगे क्या लोगों को। दूसरा पर्सन कहता है, हम उन्हें एक मेथड बताएंगे जिससे वो लोग आसानी से ह्यूमंस और पैरासाइट्स में डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। एक बंदा बोलता है, भाई क्या बातें कर रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ह्यूमन है कौन सा पैरासाइट है, वो लोग तो एक जैसे दिखते हैं, उनकी शक्लें भी एक जैसी हैं, तो कैसे पता चलेगा भाई। और वो बंदा एक डॉक्टर को इंट्रोड्यूस करवाता है उनसे और कहता है, तो हम सबसे पहले इस इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या जाना है इन पैरासाइट्स के बारे में। डॉक्टर उन सभी को समझाते हैं, इन पैरासाइट्स में एक ऐसी कैपेबिलिटी है कि ये लोग ह्यूमन ब्रेन्स की तरह काम कर सकते हैं। ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करने के साथ साथ ये पैरासाइट्स उससे कहीं ज्यादा चीजें कर सकते हैं। इन पैरासाइट्स के टिश्यूज इस क्वालिटी के हैं कि वो रबर जितने फ्लेक्सिबल हो सकते हैं और स्टील जितने हार्ड भी। पर हमारे पास एक एडवांटेज है, अगर इन पैरासाइट्स के किसी भी सेल को प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन ना मिले तो वो मर जाएंगे। इसी वजह से इनके सभी के सभी सेल्स एक साथ काम करना प्रेफर करते हैं। अगर एक काफी छोटा फ्रेगमेंट इनकी बॉडी से अलग हो जाए तो उस छोटे से पार्ट में इतनी इंटेलिजेंस नहीं होती है कि वो दोबारा चक्कर पूरी की पूरी बॉडी के साथ इमर्ज हो पाए। तो सिंपल शब्दों में, अगर आप किसी ह्यूमन का हेयर पुल करोगे तो उस ह्यूमन को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक पैरासाइट के हेयर को पुल करोगे तो मेरी एक थ्योरी है, उस पैरासाइट का हेयर कुछ देर के लिए तो काफी पेन में तड़पेगा और फाइनली मर जाएगा। एक बंदा अपने हेयर को पुल करता है और बोलता है, अच्छा तो इनका मतलब है इन पैरासाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए अपने बालों को नोचना पड़ेगा। ओके। लेकिन एक बंदा बोलता है, अबे वो तेज अगर उन्होंने विक का इस्तेमाल कर लिया तो। जिसके रिप्लाई में वो डॉक्टर बोलता है, अरे बॉडी के किसी भी एरिया का सैंपल एक जैसा ही रिएक्ट करेगा, बाल नहीं तो उनके टांगों के बाल, दाढ़ी के बाल, जहां मर्जी के बाल खींच लो। और अब मीटिंग खत्म होने के बाद एक बंदा बोलता है, तो जैसा कि आप सबको मैंने बताया तो प्लीज आप लोग भी जाने से पहले अपने हेयर्स को प्लीज एक बार पुल करके जाना। वैसे तो इस बात की बहुत ही कम चांसेस है, लेकिन हो सकता है कि हम सभी में से कोई एक बंदा पैरासाइट हो। अब इसके बाद हम शिनिची को देखते हैं जो कि स्कूल जा रहा होता है, और तभी वो मुरानो को नोटिस करता है और पूछता है, हां तो मुरानो ठीक हो तुम। और मुरानो उसकी लाइफ बचाने के लिए शिनिची को थैंक यू बोलती है और उससे पूछती है, शिनिची तुम इतनी हाइट से जंप किया था यार, तुम जिंदा कैसे बच गए, तुम्हें कोई भी चोट नहीं लगी, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन शिनिची उसे इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। और तभी हमें दो छोटे बच्चों को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के हेयर पुल करते हैं, और हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट ने पैरासाइट्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक कर दी और सभी लोगों को एक दूसरे के बाल खींचकर ग्रीट करने का एक ट्रेंड शुरू कर दिया। अब इसके बाद हम एक लड़की और एक लड़के को देखते हैं। उस लड़की ने काफी ड्रिंक की हुई थी और वो लड़की बोलती है, डियर क्या तुमने वो हेयर पुल करने वाली बात सुनी है। और मजाक में वो लड़की उस बंदे के हेयर को पुल करती है और वो देखती है कि उस बंदे के हेयर्स अपने आप मूव करने लगते हैं, वो जिंदा होते हैं, जिसे देखकर वो लड़की समझ जाती है कि ये बंदा एक पैरासाइट है और वो लड़का उसे मार देता है और उसे खा जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सपने में कान्हा एक बहुत ही सुंदर जगह पर खड़ी होती है, लेकिन तभी वो जगह बहुत ही ज्यादा डरावनी बन जाती है और कान्हा के आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर्स यानी कि पैरासाइट्स आसपास उसके होते हैं और उसे घेर कर मारने लगते हैं। लेकिन तभी एक घोड़े पर एक लड़का वहां पर आता है जो कि शिनिची होता है और उन सभी मॉन्स्टर्स को मारकर कान्हा को बचा लेता है, और तभी उसका ये सपना टूट जाता है। थोड़ी देर बाद कान्हा शिनिची के पीछे जाती है जो कि स्कूल की तरफ जा रहा होता है और उसका हेयर पुल करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसका हेयर पुल करती शिनिची उसे रोक लेता है। दरअसल कान्हा को शिनिची पर थोड़ा थोड़ा शक हो गया था कि वो भी एक पैरासाइट तो नहीं है, और शिनिची उसे कहता है, ये क्या कर रहे हो कान्हा, तुम्हें बिना पूछे ये सब नहीं करना चाहिए यार। अब शिनिची उसे परमिशन देता है उसके बाल खींचने के लिए, और कान्हा देखती है कि उसके बाल बिल्कुल सही सलामत है और उसके बालों में कोई भी मूवमेंट नहीं है और वो बिल्कुल नॉर्मल है, और शिनिची के हेयर को संभाल कर अपने पर्स में रख लेती है। शिनिची मन में सोच रहा होता है कि शायद उसे कान्हा को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, लेकिन फिर शिनिची सोचता है, नहीं जब तक मिगी अवेक है तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। मिगी शिनिची से कहता है, शिनिची मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शिनिची कान्हा को बाय कहता है और वहां से चला जाता है, और मिगी शिनिची से कहता है, शिनिची मैं नहीं चाहता कि तुम उस लड़की से दोबारा मिलो। शिनिची बोलता है, तुम जानते हो मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो वो किसी मुसीबत में पड़ सकती है। और तभी कान्हा अपने पीछे मुरानो को नोटिस करती है जो कि उसी के पीछे खड़ी होती है, और मुरानो कान्हा से पूछती है, तो मैंने लगता कि आजकल शिनिची थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव करने लग गया है। और तभी दूसरी तरफ हमें एक कार को दिखाया जाता है जिसमें से एक काफी बॉडी बिल्डर टाइप बंदा बाहर निकलता है, और वो लड़का एक बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है और बाहर खड़े एक गुंडे से पूछता है, हाँ तो अंदर कितने लोग हैं। जिसके रिप्लाई में वो बंदा बोलता है, बेटे इससे पहले कि मैं तेरी जान ले लूं यहां से निकल जा, चला जा यहां से। वो बंदा बोलता है, ही ही ही, तुम बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो। और तभी वो बंदा उस पर एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बॉडी बिल्डर बंदा उस बंदे को दीवार में देकर मारता है और उसको खत्म कर देता है। अब वो बंदा बिल्डिंग के अंदर एंटर कर जाता है जहां पर याकूजा गैंग के मेंबर्स होते हैं जो कि सिटी में सबसे ज्यादा पावरफुल है, और ये बंदा उन सभी की पिटाई करने लगता है बहुत ही गंदे तरीके से। अब ये बंदा थोड़ा और अंदर जाता है और बिना कोई रहम खाए सभी लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। एक बंदा उसके हाथ में एक चाकू मार देता है, लेकिन वो ब्लेड उसी के हाथों में टूट जाता है और वो बंदा अपने हाथ को इतना ज्यादा पंप करता है कि वो ब्लेड निकलकर उस बंदे की फोरहेड में घुस जाता है। अब ये देखकर बाकी लोगों की फट जाती है और उस पर गन से शूट करने लगते हैं। उस बॉडी बिल्डर के पैर पर भी गोली लगती है, यहां तक कि उसके सर के बीचों बीच जाकर एक स्वॉर्ड लगती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। वो पर्सन बड़े आराम से उस स्वॉर्ड को निकालता है अपने सर से और उस बंदे को मार देता है। और फाइनली उस ग्रुप का लास्ट मेंबर उससे पूछता है, आखिर तुम चाहते क्या हो। वो पैरासाइट उसे बताता है, हम लोग तो एक टेस्ट कर रहे हैं कि अगर एक हैवीली आर्म्ड ग्रुप हम पर हमला करेगा तो हम उसके खिलाफ कितने सक्सेसफुल होंगे, और ऐसा बोलकर वो उसे भी मार
मार देता है और तभी बाहर बहुत लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और वो अभी हुए इंसिडेंट की बात कर रहे होते हैं। और तभी वो बॉडी बिल्डर लड़का वहां से बाहर आता है और उसे देखकर सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पर ब्लड लगा हुआ था। वो लड़का वहां से भागने लगता है और बाकी लोग उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो गली के मोड़ पर मुड़ता है तो वो गायब हो जाता है। और तभी हमें काना को दिखाया जाता है जो कि शिनिची की प्रेजेंस को सेंस कर लेती है। काना शिनिची के पास भागकर आने लगती है, लेकिन वो देखती है कि शिनिची मोरानो को किस कर रहा होता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है बेचारी काना। अब अगले दिन मिगी शिनिची से पूछता है, शिनिची तुम काना से क्यों मिलने जा रहे हो? जिसके रिप्लाई में शिनिची उसे कहता है, हाँ मिगी, काना आखिरी बार मुझसे कुछ फेवर मांगना चाहती है, मैं उसे मना नहीं कर पाया। शिनिची काना का ही वेट कर रहा होता है और तभी मिगी बोलता है, शिनिची यहाँ पर 3 नहीं 5 पैरासाइट्स हैं। ये सुनकर शिनिची बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और मिगी बताता है, शिनिची उन्होंने हमें नोटिस कर लिया है लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। वो पैरासाइट्स यहाँ से 60 मीटर की दूरी पर हैं और वो टोटल 5 नहीं 8 हैं, जिसमें से 2 तो ग्राउंड पर हैं और बाकी के 6 ऊपर की तरफ। और तभी शिनिची वहाँ पर खड़े कुछ लोगों को देखता है। शिनिची पूछता है, तो क्या यही है वो लोग? मिगी बोलता है, हाँ यही है वो लोग और वो नीचे वाले भी, लेकिन तुम चिंता मत करो, वो इतनी भीड़ में हमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन आई कॉन्टेक्ट करने पर शायद वो तुम्हें पहचान ले। और तभी एक पैरासाइट जिसका नाम गोटो होता है वो शिनिची को लोकेट करने की कोशिश करता है और शिनिची एकदम से उसकी नजरों से बचने की कोशिश करता है और मिगी से पूछता है, मिगी क्या उसने मुझे देख लिया? मिगी कहता है, हाँ शिनिची तुम्हारा आई कॉन्टेक्ट हो गया है, लेकिन इस टाइम वो हमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है और मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। शिनिची ये देखकर हैरान होता है कि एक पैरासाइट एक मेयर के इलेक्शन में पार्ट ले रहा है, आखिर ये करना क्या चाहते हैं। अब इसके बाद शिनिची घर जाता है और मिगी उससे बताता है, शिनिची अब हमारे सामने एक पॉलिटिशियन पैरासाइट भी है, एक टीचर भी है, मुझे लगता है वो पैरासाइट ह्यूमंस को एक सेफ फूड सोर्स बनाना चाहता है ताकि उसके साथ ही पैरासाइट्स जब चाहे ह्यूमंस को खा पाए। और उसी रात दूसरी तरफ काना बैठी हुई शिनिची के बारे में ही सोच रही होती है और तभी वो किसी को सेंस करती है और उसके पास जाने के लिए निकलती है। काना को पता होता है कि जिस चीज को वो सेंस कर रही है वो शिनिची नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके पास जाती रहती है और देखती है कि वहां पर एक लड़की है और उसे देखकर वो वहां से भागने लगती है। और तभी उसके पास शिनिची का एक ईमेल आता है। अब शिनिची और काना एक अबैंडेंट बिल्डिंग के अंदर मिलते हैं और शिनिची अपना राइट हैंड एक दीवार पर मारता है बहुत ही तेज और बोलता है, चलो अच्छा है मिगी सो रहा है। और अब शिनिची काना को सब कुछ सच सच बता देता है पैरासाइट्स और मिगी के बारे में, लेकिन काना को लगता है कि ये फालतू की बातें कर रहा है, बस ये बहाने कर रहा है, ये बस मेरे से पीछा छुड़ाना चाहता है। शिनिची कहता है, नहीं काना ये बिल्कुल सच है। काना कहती है, अच्छा तो अगर ये सच है और तुम एक पैरासाइट हो तो अपने हाथ की शेप बदल कर दिखाओ जरा, झूठ बोलते हो मेरे से तुम, हैं मुझे प्रूफ करो ये सब। शिनिची कहता है, प्रूफ तो मैं नहीं कर सकता है अभी क्योंकि मिगी सो रहा है अभी। काना बोलती है, मैं तुम्हें बाकी मॉन्स्टर से डिस्टिंग्विश कर सकती हूं, आगे से मैं सिर्फ तुम्हारे पास ही आऊंगी शिनिची, बाकी मॉन्स्टर्स के पास नहीं। अब अगले दिन शिनिची देखता है कि वो पैरासाइट जो कि उन इलेक्शंस में खड़ा हुआ था वो इलेक्शन को जीत चुका है और मिगी शिनिची को एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर शिनिची बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो उसे बताता है कि काना की एबिलिटी अब इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है कि वो अब पैरासाइट्स की तरह एक सिग्नल एमिट करना शुरू कर दी है। ऐसा तब होता है जब वो अपनी पावर्स पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करती है और इसी वजह से उसने उसे सेंस करना शुरू कर दिया है। शिनिची बहुत ही ज्यादा डर जाता है और बोलता है, अरे ऐसे तो वो पैरासाइट्स उसको सेंस कर लेंगे और उसे मार देंगे। शिनिची मिगी से कहता है, मिगी मैंने उसे पैरासाइट्स के बारे में सब कुछ बता दिया जब तुम सो रहे थे। जिसके रिप्लाई में मिगी उसे बोलता है, मुझे लगा ही था तुम ऐसा कुछ करने वाले हो। शिनिची कहता है, लेकिन काना मेरी बात पर यकीन नहीं कर रही है, तुम्हें इसके सामने आना पड़ेगा। पहले तो मिगी इसके लिए मना कर देता है लेकिन फिर बाद में वो एग्री कर जाता है। अब अगले दिन शिनिची एक ट्रेन स्टेशन पर आता है काना से मिलने के लिए, लेकिन मिगी उसे बताता है कि यहाँ पर 2 पैरासाइट्स और हैं। तो शिनिची काना को कॉल करके मीटिंग प्लेस को बदलने के लिए कहता है और उसे ट्रेन स्टेशन पर आने के लिए मना करता है। शिनिची उन पैरासाइट्स के सामने नॉर्मली बिहेव करता है जिससे कि उन्हें उस पर शक ना हो। दोनों में से एक पैरासाइट शिनिची को मुड़कर देखती है और वहां से चली जाती है। अब काना अपने रूम में शिनिची का वही तोड़ा हुआ एक हेयर अपने फिंगर के अराउंड लपेट लेती है और सोचती है, आज मैं शिनिची को दिखाऊंगी कि मेरी पावर कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, कैसे मैं सिर्फ उसे ही सेंस कर सकती हूं, बाकी और किसी को भी नहीं। इसके बाद काना अपने रूम से निकलती है शिनिची को सेंस करने के लिए, लेकिन उसका मोबाइल वहीं पर पड़ा रह जाता है जिसकी वजह से वो शिनिची का कॉल पिक नहीं कर पाती। काना बाहर निकलते ही कुछ सेंस करती है और उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। शिनिची मिगी से पूछता है कि क्या वो काना को सेंस कर सकता है। मिगी कहता है, नहीं, उसका सिग्नल बाकी पैरासाइट से बहुत ही ज्यादा वीक है तो मैं उससे सेंस नहीं कर सकता। अब काना फाइनली शिनिची को ढूंढने के लिए एक वेयर हाउस के अंदर जाती है और तभी मिगी को भी एक और पैरासाइट की प्रेजेंस सेंस होती है और शिनिची को लगता है कि काना भी उसी तरफ आगे बढ़ रही होगी और इसलिए अब वो भी उस सिग्नल को फॉलो करने लग जाता है। अब काना जैसे ही उस जगह पर एंटर होती है तो वो देखती है कि एक पैरासाइट एक ह्यूमन को खा रहा होता है। वो पैरासाइट काना को देखता है और काना बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने लगती है अपनी जान बचाकर, लेकिन वो पैरासाइट काना के हाथ को इंजर्ड कर देता है। काना अपने आप को संभालती है और सोचती है कि शिनिची उसे बचा लेगा जैसे उसने उसके ड्रीम में उसे बचाया था। और तभी शिनिची उसके सामने आता है और इससे पहले कि शिनिची कुछ कर पाता वो पैरासाइट अपना ब्लेड उसके सीने में घुसा देता है और काना नीचे गिर जाती है। अब शिनिची ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और मिगी को बोलता है, मिगी तुम डिफेंस संभालो। और तभी शिनिची बहुत ही स्पीड में आगे बढ़ता है और उस पैरासाइट के अटैक को रोकते हुए उसकी चेस्ट में हाथ डालकर उसका हार्ट अपने हाथों से ही उखाड़ देता है और बाहर निकाल देता है। शिनिची काना को नीचे पड़ा हुआ देखता है और मिगी बोलता है, शिनिची अब हम बहुत ही ज्यादा लेट हो गए हैं, इसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है। काना शिनिची से कहती है, मुझे पता था शिनिची तुम मेरे पास जरूर आओगे, तुम्हें पता है मुझे एक ऐसा सपना भी आया था जो इतना ज्यादा अच्छा था।
था कि मैं किसी को बता भी नहीं सकती। इसके बाद काना के हाथ से शिनिची का वो हेयर निकल जाता है और काना मर जाती है। अगले दिन काना की मौत का शोक मनाने के लिए एक छुट्टी रखी होती है स्कूल में, और कुछ डिटेक्टिव्स शिनिची को जाते हुए देख रहे होते हैं। उनके अकॉर्डिंग काना ने ही उस पैरासाइट को स्पॉट किया था। उनमें से एक ऑफिसर बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है क्योंकि शिनिची की मॉम भी एक पैरासाइट के हाथों मारी गई थी, और अब सेम केस इसकी दोस्त के साथ भी हुआ है। एक ऑफिसर बोलता है, सर वहां पर एक और पैरासाइट भी हमें मरा हुआ मिला था जिसका हार्ट निकाला हुआ था, और उसे वॉल पर धक्का भी दिया गया जिससे वॉल पूरी तरह से टूट गई थी। ये किसी ह्यूमन का काम तो मुझे नहीं लगता, जिसका मतलब है वहां पर एक और पैरासाइट भी मौजूद था। अब शिनिची वहां से जा रहा होता है और मिसुओ शिनिची पर अटैक कर देता है और उसे पूछता है, तुमने काना को क्यों नहीं बचाया। शिनिची पहले उसके अटैक्स को डॉज नहीं कर रहा होता, लेकिन फिर शिनिची उसे बहुत ही तगड़ा पंच मारता है जिसकी वजह से मिसुओ रोने लग जाता है और अपने नीज पर आकर शिनिची से सॉरी मांगता है, और शिनिची वहां से चला जाता है। और शिनिची एक जंगल के बीचों बीच आकर कहता है, इतना कुछ होने के बाद भी मैं इतना शांत कैसे हूं, मेरी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिर रहा, शायद इस वजह से क्या मैं धीरे धीरे एक पैरासाइट में बदलता जा रहा हूं। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे पैरासाइट्स की एक मीटिंग चल रही होती है, और उनमें से एक पैरासाइट बोलता है, इतने सारे फीडिंग लोकेशन बनाने के बावजूद भी उस पैरासाइट ने वो जगह चूज की जो कि हमारी फीडिंग लोकेशन भी नहीं थी, ना ही उसने अपनी भूख को प्रेफरेंस दी ज्यादा, बल्कि उसने दूसरे पैरासाइट्स के साथ लड़ाई भी की जो कि हमारे रूल्स के खिलाफ है, और ये पता लगाना भी बाकी है कि उस पैरासाइट को आखिर मारा किसने है। और तबीरियो को तामिया बोलती है खड़ी होकर, ये एक ह्यूमन का काम है, और तामिया एक प्रोजेक्टर के ऊपर शिनिची की तस्वीर को लगा देती है और बोलती है, ये इसका काम है, इसी ने उसे मारा है। थोड़ी देर बाद तामिया अपने घर चली जाती है, और हम देखते हैं कि इसके साथ एक बेबी भी होता है घर पर, और तभी उसे एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की कॉल आती है जो उसे बताता है, मिस तामिया मैंने शिनिची को पूरे एक वीक तक फॉलो किया लेकिन अभी तक मुझे उसके बारे में कुछ खास पता नहीं लगा है। अब इसके बाद हम शिनिची को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रहा होता है, और तभी कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और शिनिची उन सब की पिटाई करता है एक पार्क में आकर, और वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ये सब कुछ रिकॉर्ड करता है अपने कैमरे के अंदर। और शिनिची नीचे खड़े एक गुंडे से पूछता है, तुम्हें किसने भेजा था बताओ मुझे। वो बंदा बोलता है, हाँ भाई मुझे एक लड़की ने हायर किया था पर मुझे पता नहीं वो कौन थी। और दूसरी तरफ वो शिनिची का फॉलोअर रियोको को वो फुटेज दिखाता है जो उसने कैप्चर की थी, जिसमें शिनिची उन गुंडों से लड़ रहा होता है। रियोको पूछती है, तो क्या तुमने इस लड़की के बारे में कुछ और नोटिस किया क्या, जैसे कि इसके राइट हैंड का कुछ मूवमेंट वगैरह वो कुछ डिफरेंट था। वो इन्वेस्टिगेटरों से कहता है, नहीं मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और शिनिची घर से बाहर चला जाता है घूमने के लिए, और वो इन्वेस्टिगेटर अभी भी उसे फॉलो कर रहा होता है। शिनिची उसी प्लेस पर पहुंच जाता है जहां पर काना मरी होती है, और वो पर्सन उसे उस बिल्डिंग तक फॉलो करता है। और शिनिची बोलता है, काना मुझे ढूंढते ढूंढते यहां पर आई थी और उसे यहां पर एक मॉन्स्टर मिल गया था, ये सब मेरी गलती है, मुझे इसे पहले रोक देना चाहिए था। और तभी मिगी उस बंदे को नोटिस कर लेता है जो कि एक खिड़की से उन्हें देख रहा होता है, और उसके हाथ से उस कैमरे को छीन लेता है, और मिगी उस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। लेकिन शिनिची मिगी को रोकने की कोशिश करता है, मिगी उस बंदे की लेग को इंजर्ड कर देता है और उसके हाथ पर भी एक हमला करता है। और क्योंकि मिगी अब शिनिची की बॉडी से अलग हो गया होता है, उसमें इतनी पावर नहीं होती है कि वो उस इन्वेस्टिगेटर को जान से मार पाए। अब मिगी शिनिची से काफी दूर हो गया होता है, इसलिए वो जल्दी से शिनिची के पास जाता है और दोबारा से उसकी बॉडी में मर्ज हो जाता है, और शिनिची को कहता है, शिनिची उस बंदे ने हमें देख लिया है और उस बंदे के पास एक कैमरा भी था, हमें उसे मार देना चाहिए वरना हमारा सीक्रेट एक्सपोज हो जाएगा। लेकिन शिनिची इस बात के लिए एग्री नहीं होता, और मिगी धक्के से शिनिची को अपने साथ लेकर चलने लगता है, लेकिन शिनिची फिर से उसे रोकने की कोशिश करता है। इतने में वो बंदा दूर निकल जाता है काफी, और मिगी थक जाता है, और शिनिची बोलता है, नहीं मिगी मुझे और कोई खून खराबा नहीं करना, हम और ह्यूमंस की जान नहीं लेंगे, मिगी बोलता है। अब वो पर्सन वैसे भी बहुत दूर पहुंच चुका है, हम उसे नहीं पकड़ सकते। अब अगले दिन मिगी उस बंदे के कैमरे को इन्वेस्टिगेट करता है और देखता है कि उसमें शिनिची की बहुत सारी तस्वीरें होती हैं और बहुत सारी वीडियोस भी होती हैं। और मिगी शिनिची से कहता है, शिनिची ये बंदा तुम्हें बहुत देर से फॉलो कर रहा था और वो हमारे बारे में बहुत कुछ जानता है। अब शिनिची अपनी सुनने की एबिलिटी पे फोकस करता है और अलग अलग चीजों की आवाज सुनता है, और तभी उसे अपने उसी स्टॉकर की आवाज सुनाई देती है जो कि हांफरा होता है, और शिनिची अपने टेरेस पर जाकर उसे आवाज लगाता है, लेकिन वो बंदा वहां से डरकर भाग जाता है। शिनिची मोमुरु से मिलता है जिसकी हेल्प से वो उस इन्वेस्टिगेटर को पकड़ने का प्लान बनाता है। और दूसरी तरफ हम उस इन्वेस्टिगेटर और तामिया को देखते हैं, और वो स्टॉकर तामिया को ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा होता है कि शिनिची के राइट हैंड ने स्ट्रेच होकर उस पर अटैक किया था, लेकिन तामिया ऐसा प्रिटेंड कर रही होती है कि उसे उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है और उसकी किसी भी बातों पर यकीन नहीं करती। वो इन्वेस्टिगेटर उसे कहता है, मैडम जी मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, उसके राइट हैंड ने ऐसे स्ट्रेच होकर मुझ पे हमला किया था, इतना खतरनाक, मैं तो इतनी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा वहां से, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो मॉन्स्टर है कि चीज। और तभी उसे इन्वेस्टिगेटर को याद आता है कि एक बार तामिया ने शिनिची के राइट हैंड के बारे में उससे कुछ पूछा था कि क्या उसे कोई मूवमेंट वगैरह नजर आई थी उसके राइट हैंड में, और तभी वो इन्वेस्टिगेटर समझ आता है कि इसे इस बारे में पता था, ये बस नाटक कर रही है, इसे पता था कि शिनिची के राइट हैंड में कुछ गड़बड़ है इसलिए इसने इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा था, और अब ये बंदी नाटक कर रही है। और तभी रियो को बोलती है, भाई हो गया तेरा बस, अब इसके बाद मुझे तेरी कोई हेल्प नहीं चाहिए, तेरे जितने पैसे बनते हैं तेरे को मिल जाएंगे, अब इसके बाद मुझे परेशान मत करियो कभी भी। और रियो को वहां से उठकर चली जाती है। अब अगले दिन हम शिनिची को देखते हैं और मोमुर इस वक्त एक गाड़ी के अंदर बैठा होता है और उसने अपने फेस की शेप चेंज करी होती है जिससे वो इन्वेस्टिगेटर उसे पहचान ना ले, और हम देखते हैं कि वो इन्वेस्टिगेटर अभी भी शिनिची को स्टॉक कर रहा होता है। मिगी शिनिची से कहता है, उन्होंने स्टॉकर को ढूंढ लिया है। वो इन्वेस्टिगेटर
शिनिची के पीछे आने लगता है और जैसे ही उसे पकड़ने के लिए एक टर्न लेता है तो वो देखता है कि शिनिची उसके सामने ही खड़ा होता है। वो इन्वेस्टिगेटर वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन शिनिची उसे पकड़ लेता है और उसे गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है जिसे मामूरू चला रहा होता है। अब वो तीनों गाड़ी में बैठकर कहीं पर जाने लगते हैं और वो इन्वेस्टिगेटर डर के उनसे पूछता है, भाई एक गलती होगी यार, छोड़ दो मुझे, कहां लेके जा रहे हो यार? शिनिची बोलता है, चिंता मत करो, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, बस तुम्हें एक जगह पर लेकर जा रहे हैं और तुम्हें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे हमें। अब वो सभी लोग एक अबैंडेंट जगह पर आ जाते हैं और शिनिची उस इन्वेस्टिगेटर से बोलता है, तो ठीक है मुझे तुमसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें मेरे बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। और शिनिची उसे सब कुछ डिटेल में बताता है पैरासाइट्स और मेगी के बारे में, और क्योंकि उस बंदे ने उसके राइट हैंड को देखा होता है उसकी बॉडी से अलग, तो वो उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है। शिनिची उस इन्वेस्टिगेटर से कहता है, देखो भाई मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम हमारे बारे में किसी को कुछ मत बोलो, ठीक है? और वो इन्वेस्टिगेटर कहता है, ना भाई मैं तो बताऊंगा भाई, अगर तुम सच में ह्यूमैनिटी को बचाना चाहते हो ना तो तुम्हें खुद को रिवील कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, तो चाहे फिर उसका मतलब तुम्हारा एक लैब रेट बनना ही क्यों ना हो। अब ये सब सुनकर उन दोनों के पैरासाइट्स बाहर आ जाते हैं और वो इन्वेस्टिगेटर उनको देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। मिगी बोलता है, किसी भी हाल में मैं शिनिची को खुद को रिवील नहीं करने दूंगा, जितनी राइट तुम्हें जिंदा रहने की है उतनी ही मुझे है। अब शिनिची उस इन्वेस्टिगेटर को बोलता है, देखो भाई हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, ठीक है, बस तुम मुझे इतना बताओ कि तुम्हें किसने भेजा है मुझे स्टॉक करने के लिए। पर वो इन्वेस्टिगेटर उसे इस बात का जवाब देने से मना कर देता है और मिगी उसे बताता है, कहीं वो तामिया तो नहीं, वो एक पैरासाइट औरत है, हो सकता है उसने अपना नाम चेंज कर लिया हो। और मिगी उसे बोलता है, अगर तुम हमारे पीछे आना बंद नहीं करोगे तो हम नहीं तो तुम्हारी क्लाइंट ही तुम्हें मार देगी। अब वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और हम देखते हैं कि आधी रात को शिनिची को तामिया का कॉल आता है और वो उसे एक जगह पर आने के लिए बोलती है। अगले दिन शिनिची उसी जगह पर पहुंच जाता है जो कि एक यूनिवर्सिटी होती है और हमें पता चलता है कि रियोको तामिया वहां पर एक स्टूडेंट होती है और उसके साथ उसका बेबी भी होता है जिसे कुछ लड़कियां देख रही होती है और उसे बोल रही होती है, अरे ले 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 कितना क्यूट है। अब क्लास खत्म होने के बाद तामिया शिनिची से मिलने के लिए एक टेरेस पर आ जाती है और उसे पता चलता है कि शिनिची पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है। रियोको के साथ उसका बेबी भी होता है और उसे बोलती है, शिनिची तुम्हें बोलते हो ना कि सभी स्पीशीज को आपस में कोएग्जिस्ट करना चाहिए। शिनिची बोलता है, हाँ तुम सही कह रहे हो लेकिन मेरे कुछ पर्सनल रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं तुम्हारी स्पीशीज को कभी भी माफ नहीं कर सकता। और तभी तामिया को रियलाइज होता है कि शिनिची की मॉम मिसिंग होती है और वो शिनिची से पूछती है, एक मिनट तुम्हारी मॉम मिसिंग है, क्या उन्हें किसी ने मार दिया? शिनिची ये सुनकर काफी शॉक्ड हो जाता है और उसे अपनी मॉम की याद आ जाती है और इसकी वजह से उसके हार्ट में पेन होना शुरू हो जाता है। अब तामिया बहुत जोर से हंसने लग जाती है और कहती है, तो तुम्हारी मॉम को हमारी ही किसी स्पीशीज ने खा लिया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और उसकी ये बात सुनकर शिनिची बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। रियो को बोलती है, लगता है तुम मुझसे लड़ना चाहते हो लेकिन तुम्हें पता है क्या, अभी मेरी डिलीवरी हुई है कुछ ही दिन पहले और मैं अभी लड़ने की हालत में बिल्कुल भी नहीं, इसलिए मुझे लगता है मुझे इस बेबी को एक शील्ड की तरह यूज करना चाहिए। और अब उन दोनों में एक फाइट होनी ही वाली होती है कि तभी दो लड़कियां वहां पर आ जाती है और उन्हें नोटिस कर लेती है जिसकी वजह से तामिया उस पर हमला नहीं कर पाती और वहां से चुपचाप चले जाती है। और थोड़ी देर बाद शिनिची उसका पीछा करने लगता है और चलते चलते वो थककर एक जगह पर आकर रुक जाता है और तभी उसे अपने सामने एक फॉर्चून टेलर दिखाई देती है और वो औरत शिनिची के राइट हैंड को देखकर बोलती है, तुम्हारे हार्ट में एक होल है ना। शिनिची सुनकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि इन्हें कैसे पता भाई, तुम्हें कैसे पता? वो लेडी बोलती है, इस होल को क्लोज करने के लिए उसी पर्सन से मिलो जिसने इसको बनाया है और उससे बात करो। अब शिनिची ये सुनकर हंसने लग जाता है और अपनी मॉम को याद करते हुए बोलता है, मैंने उस औरत को मार दिया। और ये सुनकर वो फॉर्चून टेलर की बकी रह जाती है। अब अगली सुबह हम उसी इन्वेस्टिगेटर को देखते हैं जिससे अपने एक इन्वेस्टिगेटर दोस्त से पता चलता है कि एक पैरासाइट एक अबंडेंट बिल्डिंग के बेसमेंट के अंदर है। वो खुद वहां जाने से डरता है इसलिए वो शिनिची से हेल्प मांगता है। अब शिनिची वहां पर जाता है और वो देखते हैं कि उस पैरासाइट ने वहां पर एक लड़की को मार डाला है। शिनिची उस पैरासाइट से फाइट करता है और काफी एक खतरनाक लड़ाई के बाद शिनिची और मिकी उसे मारने में सफल हो जाते हैं और वो इन्वेस्टिगेटर उसकी ये सारी की सारी लड़ाई को अपने कैमरे में कैप्चर कर लेता है। लेकिन बाद में वो शिनिची को उस चिप को दे देता है, उस मेमोरी कार्ड को, और मिगी उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब ये बंदा पैरासाइट्स और इन सब से परेशान हो चुका है और डिसाइड करता है कि ये सारा काम छोड़ देगा इन्वेस्टिगेटर वाला। अब इसके बाद हम गोटो को देखते हैं जो कि एक पियानो बजा रहा होता है और तभी एक बंदा आकर उसे बताता है, गोटो शिनिची बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और मैं चाहता हूँ कि उसे तुम हैंडल करो। गोटो बोलता है, तो ये काम तुम मुझसे कराना चाहते हो? ठीक है मैं उससे डील करूंगा। अब इसके बाद हम एक अजीब सी जगह को देखते हैं जहाँ पर एक मॉन्स्टर बैठा होता है और शिनिची उस मॉन्स्टर से पूछता है, तुम कौन हो? तुम तो कोई मॉन्स्टर लग रहे हो मुझे। और तभी वो मॉन्स्टर शिनिची को बोलता है, अच्छा तो मैं एक मॉन्स्टर हूँ, तुम भी मुझसे कुछ अलग नहीं हो। और तभी उस मॉन्स्टर की आवाज मिगी में बदल जाती है और वो शिनिची को उसकी फोटो दिखाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। और तभी शिनिची उस सपने से उठ जाता है। अब अगले दिन शिनिची स्कूल में होता है और वो कुछ सोच रहा होता है खिड़की में खड़ा हुआ और तभी मिगी उसे बताता है, शिनिची एक पैरासाइट हमारे आसपास है, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मिगी उसे बताता है, इस बार हम टारगेट हैं और वो हमारी तरफ मर्डरस इंटेंट से आ रहा है और वो एक नहीं वो
तीन पैरासाइट्स हैं। मिगी उससे पूछता है, तो शिनिची तो तुम फाइट करना चाहते हो या भागना चाहते हो? और शिनिची वहां से भागने का डिसाइड करता है और उस स्कूल से भागने लगता है और बोलता है, नहीं ये सब मैं स्कूल में नहीं कर सकता, यहां बहुत खतरा है। और तभी मुरानो वहां पर आ जाती है और वो शिनिची से पूछती है, शिनिची तुम कहां जा रहे हो इतनी जल्दी में? और तभी शिनिची उसे बोलता है, मुरानो तुम चिंता मत करो, तुम प्लीज अपनी क्लासरूम में जाओ, चिंता मत करो कुछ नहीं होगा। और मुरानो समझ आती है कि ये बंदा फिर से कुछ गड़बड़ करने वाला है। और तभी शिनिची जल्दी में वहां से भाग जाता है और स्कूल की गेट से बाहर निकल जाता है और एक कोने में छुपता हुआ मिगी से पूछता है, मिगी कहां पर है वो लोग? मिगी उसे बताता है, शिनिची वो 300 मीटर से ज्यादा दूर है और सबके सब पैदल आ रहे हैं। लेकिन तभी मिगी को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। शिनिची बोलता है, अबे क्या कर रहा है भाई तू, अभी मत सो, अभी मुझे तेरी जरूरत है भाई, क्या कर रही है? और तभी मिगी कहता है, सॉरी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, बस किसी तरह से सरवाइव कर जाना। और ये बोलकर मिगी सो जाता है। अब शिनिची एक टैक्सी लेकर काफी दूर आ जाता है उस जगह से और सोचता है, हाँ अब तो मैं काफी दूर हूँ पैरासाइट से, अब मुझे कोई खतरा नहीं है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके पीछे पीछे एक और टैक्सी वहाँ पर आ चुकी है और उसमें से एक बंदा बाहर निकलता है और शिनिची समझ आता है कि ये एक पैरासाइट है और ये यहाँ पर उसे मारने के लिए आया है। शिनिची अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है और वो पैरासाइट भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस पैरासाइट की स्पीड काफी स्लो होती है शिनिची के मुकाबले। अब शिनिची अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है बस, और तभी उसे एक गाड़ी मिलती है और वो गाड़ी वाला शिनिची को एक लिफ्ट देता है। और अब काफी दूर आने के बाद शिनिची सोचता है, फाइनली भाई 4 घंटे हो गए, लगता है वो पैरासाइट चला गया, मुझे कोई नहीं दिख रहा मेरे पीछे, अब मैं सेफ हूँ। लेकिन तभी एक ट्रक वहां पर आता है और वो बंदा उछलकर उस ट्रक से बाहर आ जाता है। और हम देखते हैं कि जंप करने की वजह से ये बंदा नीचे गिर जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि इसके बेसिक मोटर फंक्शंस ठीक से काम नहीं कर रहे होते। और तभी मिगी भी उड़ जाता है और मिगी उसे बताता है, शिनिची बाकी के 2 पैरासाइट्स भी इसी की बॉडी में है। और शिनिची ये सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है। अब मिगी और मिकी, इस बंदे का नाम मिकी है, ये दोनों फाइट के लिए रेडी हो रहे हैं और मिकी मिगी को कहता है, जिस तरह से तुम बाकी पैरासाइट से फाइट करते हो, तुम्हारा लड़ने का तरीका मुझे काफी पसंद आया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि एक ह्यूमन ब्रेन होने की वजह से भी तुम इतने स्ट्रांग कैसे हो, लगता है तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, हमारे साथी को तुमने बहुत ही बेरहमी से मारा था और अब उतनी ही बेरहमी से मैं तुम्हें मारने वाला हूं, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कैसे लड़ते हो। और ये बोलकर वो बंदा मिगी पर हमला कर देता है। शिनिची उसके अटैक्स को डॉज करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी शर्ट फट जाती है उसके हमले से और मिकी शिनिची के शोल्डर पर हमला करके उसे हर्ट कर देता है और शिनिची अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। मिकी शिनिची का पीछा करने लगता है और मिगी शिनिची को बोलता है, शिनिची वो पैरासाइट काफी स्लो है, तुम उससे फास्ट तो हो लेकिन तुम्हारे पास उतना स्टेमिना नहीं है, वो तुम्हें बहुत ही जल्द पकड़ लेगा। और शिनिची की स्पीड अब धीरे धीरे कम होने लगती है और वो बोलता है, मिगी मैं काफी थक चुका हूँ। अब चलते चलते शिनिची थक जाता है और सड़क के बीचों बीच आकर देखता है कि वो पैरासाइट उसका पीछा नहीं कर रहा, इसीलिए वो थोड़ी देर तक रेस्ट करने का डिसाइड करता है। मिगी बोलता है, शिनिची ये बिल्कुल अलग टाइप का एनिमी है क्योंकि उस एक ह्यूमन बॉडी में 3 पैरासाइट्स हैं और हम अकेले, मैंने ऐसा पैरासाइट पहले कभी नहीं देखा। और तभी एक गाड़ी वहां पर आने लगती है और मिकी उनके सामने आ जाता है। मिकी बोलता है, लगता है तुम्हें भागना काफी पसंद है पर अब मैं थकने लगा हूँ, मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। और तभी मिगी शिनिची से कहता है, शिनिची मैं अटैक्स को ब्लॉक करूंगा और तुम बस लेफ्ट साइड के अटैक्स को डॉज करना। अब मिकी उन पर अटैक करना शुरू करता है और शिनिची बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा उन्होंने अभी डिसाइड किया। मिगी मिकी के लेग पर हमला करता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता, जिससे पता चलता है कि मिकी के लेग के अंदर भी एक पैरासाइट है जिसकी वजह से उसकी लेग्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी हैं। मिकी ये देखकर हंसने लगता है और कहता है, अच्छी चाल थी, अब मेरी बारी है। और इतना बोलकर वो शिनिची पर हमला कर देता है लेकिन मिगी उसके अटैक को डॉज कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही मिकी शिनिची पर अटैक करता है तो उसके खुद के ब्लेड्स ही आपस में टकरा जाते हैं और शिनिची को नहीं मार पाते वो लोग। और ये देखकर शिनिची बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और मिगी उसे बताता है, शिनिची ये एक तरह से मिसकम्युनिकेशन का साइन था, पहले तो मैं इस न्यू तरह के पैरासाइट को देखकर काफी हैरान था लेकिन ये इतना भी खतरनाक नहीं है। मिकी के पैरासाइट्स अलग तरह से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं जिसकी वजह से इसके लेग्स ह्यूमंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं काफी श्योर हूं कि इसका हेड इसकी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। अब शिनिची दोबारा से वहां से भागने लगता है और मिगी शिनिची को जंगल में जाने के लिए बोलता है और मिगी बताता है, शिनिची मिकी का कंट्रोल सेंटर ज्यादा तेजी से काम नहीं करता और इसी की वजह से वो भागते भागते कभी कभी गिर भी जाता है। उस बॉडी में 3 पैरासाइट्स होने की वजह से उनका आपस में कोऑर्डिनेट पूरी तरह से खराब है और इसी की वजह से ही उसके ब्लेड्स आपस में टकरा भी जाते हैं और यही रीजन है कि वो अपने हेड को फाइट में यूज नहीं करता। अब मिगी बोलता है, शिनिची मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि इसका हेड इसका कंट्रोल सेंटर है और इसकी पूरी बॉडी इसके हेड से कंट्रोल हो रही है। अब मिगी शिनिची को रुकने के लिए बोलता है और बताता है, शिनिची हम यहाँ पर लड़ेंगे। और मिगी बोलता है, इस बार हम उसके हेड को टारगेट करेंगे और जब मैं तुम्हें बोलूं तो तुम पूरी स्पीड में उसके पास बढ़ना। अब शिनिची मिगी की बात मान जाता है और मिकी के सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। अब अचानक से शिनिची मिकी की तरफ भागता है और मिकी के ब्लेड्स वापस से आपस में टकराने लगते हैं। और अब जैसे ही मिकी अपने ब्लेड को निकाले लगता है अपने हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो तभी मिगी अपने ब्लेड से उसके सर को काट देता है और उसका सर नीचे गिर जाता है। तभी मिकी घबरा जाता है और कहता है, ये तुमने कैसे किया, ये तो इम्पॉसिबल है। और
मतलब मिगी के हैंड का पैरासाइट उसके हेड की जगह ले लेता है और हेड वाला कटा हुआ पार्ट उसके हैंड की जगह पर अटैच हो जाता है और मिकी बोलता है अब मेरी बारी। मिगी सब कुछ समझ जाता है और शिनिची को बताता है, शिनिची अब ये पुराने जैसा नहीं रहा, अब इसके हेड बनने पर इसकी पैरासाइट के पूरी बॉडी का कंट्रोल इसने अपने हाथ में ले लिया है। इसकी बॉडी में 3 नहीं बल्कि 5 पैरासाइट्स हैं और शिनिची ये सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है। मिकी उसे बताता है ये पैरासाइट बिल्कुल सही कह रहा है, सिर्फ मैं ही इन पैरासाइट्स को कंट्रोल कर सकता हूं। और तभी वो पैरासाइट अपने ह्यूमन फेस में आ जाता है और हम देखते हैं कि ये पैरासाइट गोटो होता है और ये गोटो बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। ये इतना ज्यादा तेज होता है कि शिनिची को दिखाई तक नहीं देता। ये जब पेड़ों के ऊपर मूव करता है अब मिकी अचानक से शिनिची पर अटैक करता है जिसे शिनिची बहुत ही मुश्किल से डॉज कर पाता है। मिकी बताता है शिनिची अब जंगल में रहना हमारे लिए एक डिसएडवांटेज बन चुका है, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। और शिनिची उस जंगल से बाहर निकलने लगता है और गोटो उस पर लगातार हमले कर रहा है और गोटो उसकी बैक को इंजर्ड कर देता है लेकिन किसी तरह से शिनिची वहाँ से बचकर भाग जाता है। और शिनिची एक ट्रक के अंदर बैठ जाता है और वो नोटिस करता है कि गोटो अभी भी उसके पीछे आ रहा होता है और हम देखते हैं कि गोटो के पैर काफी अजीब तरीके के बन जाते हैं जिससे कि वो बहुत ही तेज भाग सकता है। मिगी गोटो पर अटैक करता है जिसे गोटो बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और उसे डिसबैलेंस करने के लिए मिगी उस गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील को घुमाने लगता है जिसकी वजह से गोटो एक कार से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। और शिनिची और मिगी अपनी जान बचाकर वहां से चले जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद वो लोग एक टाउन में पहुंच जाते हैं और मिगी उसे कहता है शिनिची हमें एक दूसरे कपड़े लेने होंगे, हम बहुत ही अलग दिख रहे हैं और हमें एनर्जी के लिए कुछ खाना भी चाहिए, हम बहुत ज्यादा थके हुए हैं। और हम दूसरी तरफ रियोको को देखते हैं जो कि 2 पैरासाइट से बोल रही होती है, मुझे तुम्हें भेजना ही नहीं चाहिए था, तुमने पूरे प्लान को फेल कर दिया, मैंने तुम्हें उस इन्वेस्टिगेटर को मारने के लिए कहा था ना कि उसकी फैमिली को। दरअसल तामिया ने इन सबको भेजा होता है उस इन्वेस्टिगेटर को मारने के लिए क्योंकि वो काफी नजदीक पहुंच गया था इनकी रियलिटी को जानने की, पर ये लोग उसे मारते नहीं है। अब अगले दिन हम मुरानो को देखते हैं और युता उसे शिनिची का बैग देती है जो कि वो क्लासरूम के अंदर ही भूल गया था 2-3 दिन पहले। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और हम देखते हैं कि वो इन्वेस्टिगेटर तामिया का पीछा कर रहा होता है। तामिया एक बिल्डिंग के अंदर जाने लगती है लेकिन तभी वो सेंस करती है कि उस बिल्डिंग के अंदर 3 पैरासाइट्स हैं जो कि उसे मारना चाहते हैं, इसी वजह से वो अंदर नहीं जाती है और कहीं दूसरी तरफ जाने लगती है। वो इन्वेस्टिगेटर सोचता है मेरे पास अभी भी चांसेस हैं इसे मारने के लिए और तभी 3 पैरासाइट्स उसे घेर लेते हैं जो कि उसी के दोस्त होते हैं। उसी के पैरासाइट दोस्त उसे अब मारने का प्लान बनाते हैं और उसे घेर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि रियोको अब पैरासाइट्स के लिए एक खतरा बन चुकी है क्योंकि उसके मन में ह्यूमंस के लिए थोड़ी थोड़ी सिंपैथी आनी शुरू हो चुकी है क्योंकि उसे उस इन्वेस्टिगेटर की फैमिली के मरने पर थोड़ा दुख हो रहा था। पर हम देखते हैं कि रियोको उन तीनों को बहुत ही आसानी से हरा देती है और अपने कुछ बॉडी सेल्स को उनकी बॉडी के अंदर डाल देती है जिसकी वजह से उनकी बॉडीज आपस में ही लड़ना शुरू कर देती है और इसी का फायदा उठाकर रियोको उन तीनों का काम तमाम कर देती है। अब इसके बाद जब रियोको अपने घर जाती है तो वह नोटिस करती है कि उसका बेबी वहां पर नहीं है और तभी उसे वहां पर एक नोट पड़ा हुआ मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि उस इन्वेस्टिगेटर ने उस बच्चे को किडनैप कर लिया है और अगर वो अपने बच्चे को वापस पाना चाहती है तो उसे कल शाम के 8 बजे एक पार्क में आकर मिलना होगा। अब रियोको शिनिची को भी वहां पर बुला लेती है और ठीक शाम 8 बजे वो उस पार्क में पहुंच जाती है और वो देखती है कि वो इन्वेस्टिगेटर उसके बच्चे के साथ खेल रहा होता है और खेलते खेलते वो उस बच्चे को एक ब्रिज से फेंकने की कोशिश करने लगता है। वो रियोको को धमकी देता है कि वो उसके बच्चे को फेंक देगा नीचे जिसकी वजह से रियोको को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस इन्वेस्टिगेटर के सीने में अपने ब्लेड को घुसा देती है और उसे मार देती है और अपने बच्चे को बचा लेती है। और तभी डिटेक्टिव हारामा वहां पर पहुंच जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि इन सब के पीछे रियोको का हाथ है। दरअसल ये इस इन्वेस्टिगेटर की ही एक चाल होती है तामिया रियोको की असली आइडेंटिटी को सामने लाने के लिए उस डिटेक्टिव के सामने और उसका ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। अब इसके बाद तामिया शिनिची से कहती है इंसान हो या कोई पैरासाइट हो सबको जीने का हक है पर मुझे नहीं लगता कि इंसानों को मारकर जिंदा रहना सही रहेगा। और तभी डिटेक्टिव हारामा और उसकी टीम उसके पास पहुंचकर कहती है मिस तामिया रियोको आपको उस इन्वेस्टिगेटर को मारने के लिए गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन तामिया उन्हें इग्नोर करते हुए शिनिची की तरफ चलने लगती है और ये देखकर उसकी टीम उस पर गोलियों से हमला कर देती है और उसकी पीठ पर 3-4 गोलियां मारते हैं। तामिया का पूरा शरीर बुलेट्स से भर जाता है लेकिन फिर भी वो रुकती नहीं है और शिनिची के पास जाकर अपने बच्चे को उसे दे देती है और उसका ख्याल रखने को बोलकर नीचे गिर जाती है और मर जाती है। अब तामिया रियोको को मरता हुआ देखकर शिनिची को अपनी मॉम काना और उस पपी की याद आने लगती है जो कि उसकी आंखों के सामने ही मारे गए थे एक्सेप्ट उसकी मॉम। और ये देखकर शिनिची काफी दुखी हो जाता है अंदर से और इतने दिनों में पहली बार शिनिची की आंखों में हम आंसुओं को देखते हैं। और तभी मुरानो वहां पर आ जाती है और शिनिची की आंखों में आंसू देखकर मुरानो को लगता है कि उसका पुराना वाला शिनिची वापस आ चुका है। और अब शिनिची के इन सब में इन्वॉल्व होने की वजह से वो डिटेक्टिव्स शिनिची को अपने साथ लेकर चले जाते हैं कुछ पूछताछ वगैरह करने के लिए। अब अगले दिन मुरानो स्कूल की तरफ निकल पड़ती है और पीछे से युता और इसकी एक और दोस्त आकर उसे पूछती है शिनिची के बारे में और मुरानो ने कहती है अरे हाँ हाँ ठीक है शिनिची बढ़िया है वो बस कुछ पूछताछ के लिए कुछ डिटेक्टिव्स उसे लेकर गए हैं वो आ जाएगा थोड़े दिन में आ जाएगा वो। और उस दिन जो कुछ भी पार्क में हुआ था उसे न्यूज में नहीं दिखाया गया था लेकिन मुरानो खुश होती है कि उसका शिनिची वापस आ चुका है। और इसके बाद हम एक प्रिजनर को देखते हैं भाई ये बंदा बड़ा मस्त है मजा आएगा बहुत और उसे बताया जाता है कि आज उसे एक बंदे को देखने जाना है। उस प्रिजनर को एक कमरे के अंदर लेकर आया जाता है जहां
जहाँ पर बहुत सारे कैमराज भी लगे हुए थे। और शिनिची को भी बुलाया जाता है। शिनिची बहुत ज्यादा नर्वस होता है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो मिगी को रिवील नहीं करेगा किसी भी हालत में। अब उस प्रिजनर को एक हेडफोन पहनाए जाते हैं और इस बंदे का नाम उरागामी होता है। और वो डिटेक्टिव उसे कहता है, तो उरागामी अब मैं तुम्हें 5 बंदों से मिलवाऊंगा और तुम्हें उन सब में से अपने जैसा ही एक बंदा ढूंढना है जिसके पास सेम वही एबिलिटी है जो तुम्हारे पास है। दरअसल इस बंदे के पास पैरासाइट्स को सेंस करने की एक स्पेशल एबिलिटी होती है और अगर ये बंदा ऐसे ही किसी पैरासाइट से मिलेगा तो इसे पता चल जाएगा। और अब उस बंदे को बताया जाता है कि एक पैरासाइट भी हो सकता है यहाँ पर। और ये सुनकर वो बंदा बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, ओ भाई मुझे बाहर निकालो यहाँ से, मुझे नहीं पता, मैं नहीं कर रहा। पर वो इन्वेस्टिगेटर से कहता है, अरे तुम चिंता मत करो, ये बुलेट प्रूफ ग्लास है, कुछ नहीं होगा तुम्हें, बैठे रहो चुपचाप। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है और सबसे पहले फुकामी नाम के एक बंदे को बुलाया जाता है और वो बंदा आकर उस प्रिजनर के सामने बैठ जाता है और उरागामी उन्हें बताता है, फ्रॉड है ये, टोटल फ्रॉड, दूसरा लाओ भाई दूसरा। अब दूसरे बंदे को बुलाया जाता है जो कि एक सुंदर लड़की होती है और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और उस डिटेक्टिव से कहता है, भाई क्या ये, इस माल को क्यों लेके आए हो मेरे सामने। और ये बंदा उसे देखकर कुछ करने लग जाता है और वो लड़की ये देखकर वहां से भाग जाती है। अब इसके बाद शिनिची की बारी आ जाती है और शिनिची उस बंदे के सामने आकर बैठ जाता है और हेडफोन्स पहन लेता है। और तभी हम देखते हैं कि उरागामी सो जाता है। वो डिटेक्टिव उरागामी को जगाता है, ओ उरागामी जाग जा। उरागामी जाग जाता है और कहता है, वेटर चाय रेडी हो गई, और ये कौन है, तुम तो कितने क्यूट हो, अगर तुम लड़की होते तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लेता। ओ डिटेक्टिव इसे बोलो मुझे सीधा आंखों में देखे एक बार। और वो डिटेक्टिव उसे कहता है, शिनिची क्या तुम इसकी आंखों में देख सकते हो। अब शिनिची बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसकी आंखों में देखता है और उरागामी उसे बहुत ही सीरियस नजरों से देख रहा होता है, जिसे देखकर शिनिची बहुत ज्यादा डर जाता है और सोचता है, भाई क्या बंदा ये, क्या ये एक पैरासाइट है, नहीं ये तो एक इंसान है। और हम देखते हैं कि उरागामी शिनिची को बहुत देर तक घूरता रहता है और सोचता रहता है कि ये बंदा कोई पैरासाइट है या कोई ह्यूमन। और इसके बाद हमें इस बंदे का पास्ट दिखाया जाता है। ये बंदा एक सीरियल किलर होता है जिन्हें लोगों को मारने में बहुत ही मजा आता है और इंसानों को मारकर खाया करता था। ये उरागामी ने बहुत सारे ह्यूमंस का मर्डर किया होता है जिसकी वजह से उसे ह्यूमंस की नेचर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होती है और उसका ऐसा मानना है कि ह्यूमंस बहुत आसानी से ब्रेक हो जाते हैं और जानवरों की तरह इंसानों में भी बहुत अच्छी एबिलिटी होती है अपने शिकार को जानने की। और उसे बहुत ज्यादा हैरानी हुई थी जब उसने पहली बार एक पैरासाइट को देखा था एक ह्यूमन की फॉर्म में। और अगर वो अपने आसपास घूमते हुए लोगों को 2 घंटे के लिए बस नोटिस करता तो उसे 1000 से भी ज्यादा पैरासाइट दिखाई देते थे, लेकिन कोई और उन्हें नोटिस नहीं कर पाता था। उन पैरासाइट्स को किसी की परवाह नहीं होती है और वो उनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाकर ही रखता था क्योंकि उसे पता था कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। और तभी इसने नोटिस किया एक दिन कि इनकी किलिंग्स और इस उरागामी की किलिंग्स में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। और एक दिन इस उरागामी को किसी बंदे के मर्डर के केस में अरेस्ट कर लिया जाता है और हम देखते हैं कि ये बंदा अभी भी शिनिची को बस घूरता ही जा रहा था, लेकिन तभी वो कहता है, नहीं इसमें वो बात नहीं है, ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये तो नॉर्मल इंसान है, और शिनिची को वहां से भेज दिया जाता है। अब इसके बाद हम कुछ ऑफिशियल्स की मीटिंग को देखते हैं जिसके अंदर डिटेक्टिव भी होता है वही, और वो डिटेक्टिव बताता है कि गवर्नमेंट ने हमें परमिशन दे दी है इस ऑपरेशन को कंडक्ट करने की, लेकिन हमें ये ऑपरेशन बहुत ही सावधानी से करना होगा और यामागिशी तुम्हारा काम होगा पैरासाइट्स को डिटेक्ट करके उन्हें एलिमिनेट करना। और वो डिटेक्टिव कहता है कि हमें उरागामी को भी इस ऑपरेशन में शामिल करना चाहिए क्योंकि उसके पास पैरासाइट्स को डिटेक्ट करने के लिए स्पेशल एबिलिटीज हैं और उरागामी बस पैरासाइट को डिटेक्ट करने के लिए उनकी हेल्प करेगा। अब इसके अगले दिन शिनिची स्कूल जा रहा होता है और वो मुरानो से मिलता है और मुरानो शिनिची को उसके नोट्स देती है जो कि वो भूल गया था क्लासरूम के अंदर। और तभी 2 और लड़कियां वहां पर आ जाती हैं और शिनिची से थोड़ी देर तक बातें करती हैं। अब शिनिची स्पोर्ट्स पीरियड के बाद अपने कपड़े चेंज करने लगता है और उसके दोस्त जबरदस्ती उसकी टी शर्ट को खींच लेते हैं और वो देखते हैं कि शिनिची के हार्ट पर एक इंजरी हो रखी थी बहुत ही खतरनाक और उसे देखकर वो लोग हैरान रह जाते हैं। वो डिटेक्टिव शिनिची को यामागिशी से मिलवाता है और यामागिशी बोलता है, तो शिनिची क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा कोई वेपन है क्या जो इन पैरासाइट्स के खिलाफ काफी इफेक्टिव हो सकता है। और शिनिची को याद आता है कि मेगी ने उसे एक दिन बताया था कि फ्लेम थ्रोअर्स पैरासाइट्स के खिलाफ काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और जैसे ही उनकी बॉडी के किसी ऑर्गन में फ्लेम पड़ती है तो उसके सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स पिघलने लगते हैं जिसकी वजह से सभी सेल्स में मिस कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाएगा। और तो और गोटो की बॉडी में चाहे मल्टीपल पैरासाइट्स हैं लेकिन उसका कंट्रोल सेक्शन उसका हेड होता है और अगर उसका हेड किसी तरह से शॉक में आ जाए तो उसकी पूरी बॉडी अनबैलेंस हो जाएगी। अब इसके बाद ऑपरेशन का दिन आ जाता है और बहुत सारे ट्रक्स एक बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं और उस बिल्डिंग के अंदर फेक अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि एक पर्सन इस बिल्डिंग के रूफ पर है एक वेपन के साथ और सभी सोल्जर्स उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगते हैं। यामागिशी बोलता है, हम इन सभी पैरासाइट्स को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। एक सोल्जर बोलता है, सोल्जर्स सस्पेक्ट रूफ के ऊपर है, हम सबको यहाँ से निकालेंगे लेकिन ग्रुप्स में, आप सभी लोग 7-7 बंदों का एक ग्रुप बना लीजिए। और दूसरी तरफ एक वैन के अंदर हम देखते हैं कि उरागामी को बुलाया जाता है, उन पैरासाइट्स को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उन्हें पर्सनली उन्हें सामने से देखना पड़ता है उन्हें डिटेक्ट करने के लिए। और तभी शिनिची भी उस वैन में आ जाता है और तभी उरागामी बोलता है, क्या भाई तुम्हारे बस के नहीं है क्या, मुझे क्या बुलाया यहाँ पे। और अब इस लड़के को भी बुला लिया और अब शिनिची को उन पैरासाइट्स को पहचानने के लिए बिठाया जाता है। अब उस बिल्डिंग के अंदर के सभी लोगों को 7-7 के ग्रुप में बाहर निकाला जाता है और यामागिशी उन सबको ऑर्डर देता है, सोल्जर्स अगर कोई भी वहां से भागने की कोशिश करे तो सीधा शूट कर देना।
करना, हिचकिचाना मत, ओवर एंड आउट। अब इसके बाद 7 लोगों के एक ग्रुप को एग्जामिन किया जाता है और वो सभी लोग ह्यूमंस निकलते हैं और उसके अगले ग्रुप में भी सारे के सारे लोग ह्यूमंस ही निकलते हैं। अब शिनिची मिगी से पूछता है, मिगी क्या तुम बता सकते हो अंदर कितने पैरासाइट्स हैं? मिगी बोलता है, नहीं शिनिची मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन अंदर काफी सारे पैरासाइट्स हैं। अब इसके बाद एक और ग्रुप को बुलाया जाता है और उसके अंदर एक पैरासाइट को डिटेक्ट कर लिया जाता है और उस पैरासाइट को पकड़ने के बाद वो सोल्जर्स उसे घेर लेते हैं और एक सोल्जर उसे शूट करता है और इंजरी होने की वजह से वो पैरासाइट मर जाती है और यामागिशी एक सोल्जर को उस पैरासाइट की बॉडी को हटाने के लिए ऑर्डर देता है। अब यामागिशी सोचता है कि इन पैरासाइट्स को मारने के लिए हमें बस इनके इंजन को डिस्ट्रॉय करना होगा जो कि है इनका हर्ट। अगर इनका हर्ट हमने तोड़ दिया तो ये अपने आप मर जाएंगे और ये शॉटगन्स 16.8 mm की गोलियां बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती हैं इन पैरासाइट्स के खिलाफ। अरे भाई M1014 मारो इनके एक हर्ट में, मजा ले कोई जिंदा बच जाए। और BGMI फैंस नीचे अटेंडेंस तो लगा दो भाई। अब उन बुलेट्स की आवाज को सुनकर बिल्डिंग के अंदर खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। अब इसके बाद उस बिल्डिंग के अंदर एक पैरासाइट सोच रही होती है, ये सब क्या चल रहा भाई। अब इसके बाद दोबारा से वही इवैक्यूएशन वाला सिस्टम शुरू हो जाता है और फर्स्ट बैच में सब लोग ह्यूमंस निकलते हैं, उसके नेक्स्ट बैच में भी सब लोग ह्यूमंस निकलते हैं और अब यामागिशी मन में सोच रहा होता है कुछ तो गड़बड़ है भाई, इन पैरासाइट्स को पता तो नहीं चल गया हमारे प्लान के बारे में। और अब वो डिटेक्टिव यामागिशी को कांटेक्ट करता है और बताता है, हां यामागिशी उरागामी से हमें पता चला है कि ये लोग टेलीपैथी को यूज कर सकते हैं, एक काम करो रुको मैं उरागामी को तुम्हारे पास भेज रहा हूं, तुम लोग उसका यूज कर सकते हो। अब उस बिल्डिंग के अंदर एक पैरासाइट बोलता है, सर कुछ लोग ऊपर फंसे हुए हैं, हमारी एक मीटिंग थी आज, शायद उन्होंने अनाउंसमेंट को नहीं सुना है और वो अभी भी उस रूम में है। एक सोल्जर बोलता है, ठीक है हम कुछ सोल्जर्स को भेजते हैं, वो लोग ऊपर जाकर इन्हें इवैक्यूएट कर लेंगे। और अब वो बंदा बोलता है कि सर आपको इन गन्स के साथ देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाएंगे, क्या हम लोग उन्हें ऊपर से ले आए? अच्छा भाई बहुत तेज हो। और अब यामागिशी को जब इस सब के बारे में पता चलता है तो वो ऑर्डर देता है, किसी भी इंसान को ऊपर नहीं जाने दोगे, ये मेरा ऑर्डर है, ओवर एंड आउट। और तभी उरागामी को भी वहां पर बुला लिया जाता है और उरागामी उन्हें उस हथकड़ी को खोलने के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था जिसके लिए वो मान जाता है। और अब यामागिशी के ऑर्डर की वजह से वो लोग उस बंदे को ऊपर नहीं जाने देते जिसकी वजह से हिरोकावा, इस बंदे का नाम हिरोकावा है, ये बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और उन पर चिल्लाने लगता है। उरागामी अचानक से डर जाता है और कहता है यहाँ पर बहुत सारे पैरासाइट्स हैं और बहुत ज्यादा घबराने लगता है और उनमें से एक बंदे को शूट कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो बंदा ह्यूमन निकलता है। ये देखकर पास में ही खड़ा एक बंदा बोलता है, तुम ये कैसे कर सकते हो? उरागामी बोलता है, इसे मारो ये एक पैरासाइट है। लेकिन इतने में ही वो पैरासाइट उस पर अटैक कर देता है सोल्जर पर और उसे मार देता है और एक दूसरा सोल्जर उस पैरासाइट के ऊपर शूट कर देता है और अब डिटेक्शन सिस्टम के अंदर बुलेट लगने की वजह से वो खराब हो जाता है। और तभी वो लड़की भी उन पर हमला कर देती है लेकिन उसे भी बुलेट्स लग जाती हैं और तभी उस बिल्डिंग के अंदर एक पैरासाइट कियोस्क क्रिएट करना शुरू कर देता है और उन सोल्जर्स पर अटैक करना शुरू कर देता है और इसका फायदा उठाकर हिरोकावा और बाकी के पैरासाइट्स ऊपर की तरफ जाने लगते हैं और वो सोल्जर्स उन्हें वहां पर जाने देते हैं। और इस तरफ यामागिशी भी वहां पर पहुंच जाता है बिल्डिंग के अंदर और उन सभी को अपने घुटनों पर बैठने के लिए बोलता है और बोलता है, सभी लोग अपने हाथों को अपने सर के पीछे रख लो और अगर कोई भी बिना परमिशन के खड़ा हुआ तो उसे वहीं पर शूट कर दिया जाएगा। एक बंदा यामागिशी पर काफी गुस्सा होकर चिल्लाने लगता है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आपने हमें कब से यहाँ पर बिठा के रखा है, क्या समझते हो आप हमें? जिसकी वजह से यामागिशी बिना सोचे समझे उस बंदे को शूट कर देता है और यामागिशी बताता है इस बिल्डिंग में बहुत सारे पैरासाइट्स हैं और हमें उन सभी को मारना है और अगर तुम लोग अपने आप को ह्यूमन समझते हो तो तुम ऐसा ही करोगे जैसा मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, चुपचाप जमीन पर लेट जाओ। अब यामागिशी अपने सभी सोल्जर्स को कुछ टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और उरागामी को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। उरागामी धीरे से बोलता है, मुझे हर जगह पैरासाइट्स दिखाई दे रहे हैं। उरागामी के साथ वाला ऑफिशियल बहुत ज्यादा डरा होता है और अब वो सोल्जर्स पैरासाइट को ढूंढना शुरू कर देते हैं ऊपर वाली बिल्डिंग्स में और सभी लोग उस बिल्डिंग के अंदर बहुत ज्यादा डरे होते हैं ये सब देखकर। और तभी एक पैरासाइट एक बंदे को उठाता है और उसे एक शील्ड की तरह यूज करके वहां से भागने की कोशिश करता है। सोल्जर्स उस पैरासाइट को शूट करने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो ह्यूमन और पैरासाइट दोनों मर जाते हैं और एक टीम बहुत सारे पैरासाइट्स को नोटिस करती है जो कि मरे हुए थे और एक सोल्जर यामागिशी को इन्फॉर्म करता है, सर यहाँ पे बहुत सारे पैरासाइट्स दिखे हमें। और उनमें से एक सोल्जर एक गेट तोड़कर अंदर जाने लगता है कमरे के अंदर, लेकिन वो देखता है कि वहां पर एक कपल कुछ करने में लगे होते हैं और उरागामी बोलता है, अरे नहीं नहीं ये तो निब्बा निब्बी है, छोड़ो इन्हें। और उरागामी के साथ वाला वो ऑफिशियल उन्हें इस टाइम पर ये सब करने के लिए बहुत ज्यादा डांटते हैं। अब यामागिशी और एक टीम को एक पर्सन दिखता है लेकिन उसे पैरासाइट समझकर यामागिशी उस पर शूट कर देता है और वो बंदा सच में एक पैरासाइट ही होता है। एक सोल्जर पूछता है, सर आपको किसे पता चला कि ये एक पैरासाइट है? यामागिशी बोलता है, वो इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर पर नहीं है, तुम्हें यहाँ पर जो भी मिले सबको मार डालो, किसी पर कोई रहम खाने की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि इन सोल्जर्स का मेन मोटिव जो होता है वो ह्यूमंस की लाइफ को बचाना नहीं पैरासाइट्स की सफाई करने का होता है जिसकी वजह से उनका मिशन काफी अच्छे से हैंडल भी हो रहा होता है। लेकिन कुछ ह्यूमंस की लाइफ भी इस मिशन के अंदर जाती है लेकिन बहुत सारे पैरासाइट्स को भी एलिमिनेट कर दिया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक बंदा फ्लोर पर भाग रहा होता है और सोल्जर्स उसे रोकते हैं। वो बंदा बहुत ही ज्यादा डरा होता है और बोलता है, मैं एक पैरासाइट नहीं हूं, मुझे मत मारो। लेकिन उरागामी उन सोल्जर्स को उसे शूट करने के लिए बोलता है और वो सही में एक पैरासाइट निकलता है और उस पर गोलियों से हमला करके उसे मार देते हैं। गोटो उस पैरासाइट की बॉडी को देखकर अपने आप से बोलता है, सोल्जर्स शॉटगन को यूज करके इनकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये काफी इफेक्टिव तरीका है। इतने में दो सोल्जर्स वहां पर पहुंच जाते हैं और उरागामी से पूछते हैं, ओ उरागामी ये ह्यूमन है या पैरासाइट है? जिसके रिप्लाई में उरागामी ने कहता है, हां ये भी एक पैरासाइट है।
और वैसे भी भाई मैं बहुत थक गया हूँ, जल्दी खत्म करो ये, मुझे घर जाके डोरेमोन भी देखना है। अब जो भी मिल रहा है उसे मार दो, मुझसे मत पूछना। लेकिन तभी उरागामी गोटो की पावर को सेंस करता है और बहुत ज्यादा डर जाता है और अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। वो सोल्जर्स समझ जाते हैं कि गोटो एक पैरासाइट है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। गोटो उन सोल्जर से कहता है, एक काम करो, तुम लोग इस तरफ आ जाओ, यहाँ पर बहुत कम जगह है। उरागामी डर कर भाग रहा होता है और उसके साथ वाला ऑफिशियल उसे पकड़ लेता है और वो ऑफिशियल उसे बोलता है, यही था ना तेरा प्लान, यहाँ से भागना चाहता है तू बस। जिसके रिप्लाई में उरागामी उसे कहता है, अब पागल भाग ले तू, तूने इस बंदे को नहीं देखा, वो एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है, अपनी जान बचाकर भागो और उन सोल्जर्स को कहो वापस आए। और इस तरफ वो सोल्जर्स गोटो को पीछे करते करते एक हॉल में आ जाते हैं और सभी ने उस पर गन तानी होती है और तभी वो सोल्जर्स उस पर शूट करने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि काफी सारी बुलेट्स शूट करने के बाद भी गोटो को कुछ नहीं होता, उसकी पूरी बॉडी गोलियों से छन्नी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो खड़ा होता है अपने कदमों पर। और तभी उसकी बॉडी से बहुत ही एक अजीब सी आवाज निकलने लगती है जिसे सुनकर सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं और गोटाऊ उन सोल्जर्स की ही शूट की हुई गोलियों को अपनी बॉडी से निकालकर उन्हीं पर मार देता है। तब गोटाऊ एक सोल्जर के पास जाता है और वो सोल्जर उसकी आई पर शूट करता है और तभी यामागिशी को इस इंसिडेंट के बारे में पता चल जाता है और अब गोटाऊ वहां से जाने लगता है। और इस तरफ हिराकावा को भी कुछ सोल्जर्स की टीम ने घेरा होता है, वो सभी लोग उसे घेर लेते हैं और यामागिशी को इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं। हिराकावा बोलता है, जो गन्स तुम्हारे पास है उसे एक और अच्छे यूज पर लगाया जा सकता है। इस गन का यूज पैरासाइट्स को मिटाने के लिए नहीं बल्कि नेचर को एक बैलेंस में लेकर आने के लिए किया जाना चाहिए। हमें उन लोगों को मारना चाहिए जो नेचर के लिए यूजलेस है, क्योंकि यहाँ पर इस दुनिया में हर कोई एग्जिस्ट करने के लायक नहीं है, ऐसे लोग बस हमारे इकोसिस्टम को तबाह करते हैं। तो मैं पैरासाइट्स को मारने की जगह उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि पैरासाइट्स हम ह्यूमंस को और ज्यादा पावरफुल बनाने में हेल्प कर सकते हैं अगर हम उन्हें मिलिट्री में ज्वाइन करवा लें तो। और मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमंस और पैरासाइट्स के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, जितने पैरासाइट्स हैं उतने ही ह्यूमंस होने चाहिए। और अंदर बैठे वो डिटेक्टिव और शिनिची भी उसकी ये सारी बातों को सुन रहे होते हैं। हिराकावा बोलता है, ये पैरासाइट्स इकोसिस्टम को बैलेंस करने का काम करते हैं और इस हिसाब से देखा जाए तो असली पैरासाइट्स तो हम ह्यूमंस हैं जो इस प्लेनेट को धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। और तभी वो सोल्जर्स हिराकावा पर हमला कर देते हैं और हम देखते हैं कि हिराकावा कोई पैरासाइट नहीं बल्कि एक ह्यूमन होता है। और तभी गोटो वहां पर आ जाता है और वो सोल्जर्स उस पर गन पॉइंट कर देते हैं। गोटो हिराकावा को देखता है और कहता है, मैं इस इंसान को कभी समझ नहीं पाया, हम पैरासाइट्स के लिए इतना कुछ सैक्रिफाइस कर गया। और दूसरी तरफ उरागामी के साथ वाले ऑफिशियल सब सोल्जर्स की बॉडी को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। हिराकावा बोलता है, ये सब उस गोटो नाम के पैरासाइट का काम है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। एक सोल्जर यामागिशी को हिराकावा के बारे में अपडेट करता है कि उसकी डेथ हो चुकी है और उसे बताता है, सर हमें एक दूसरा पैरासाइट मिला है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उरागामी अकेले होने का फायदा उठा लेता है और अपने साथ वाले ऑफिशियल को शूट कर देता है और बोलता है, अरे यार नाइफ से मारना काफी ज्यादा मजेदार था, तुम्हारा गला बिल्कुल धीरे धीरे काटता ताकि तुम थोड़ा तड़प पाते। अब उरागामी वहां से जाने लगता है उसे मारकर और मन में सोच रहा होता है, अब बस मुझे किसी तरह से यहां से बाहर निकलना है। अब सोल्जर्स उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर गोटो होता है और गोटो पर वो लोग फायर करने लगते हैं और गोटो भी उन सोल्जर्स को मारना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि गोटो बहुत ही खतरनाक तरीके से बहुत सारे ब्लेड से उन सोल्जर्स पर हमला करता है और साथ ही में उनकी गोलियों को भी डॉज कर रहा होता है। यामागिशी अपने सारे सोल्जर्स को रूफ की तरफ जाने का ऑर्डर देता है और गोटो पर एक बॉम्ब फेंक देता है। और थोड़ी देर तक चलते चलते यामागिशी रूफ पर पहुंच जाता है और वो बोलता है अपने सोल्जर्स को, सोल्जर्स हम इसे यहां पर मारेंगे। लेकिन तभी वो मुड़कर देखता है कि उसका एक भी सोल्जर उस रूफ पर आया ही नहीं होता बल्कि गोटो वहां पर आ जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि गोटो ने उसके सारे सोल्जर्स को मार दिया है। यामागिशी बोलता है, तुम्हारी बॉडी काफी स्पेशल है। गोटो बोलता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन मेरी पूरी बॉडी ऐसी नहीं है, मेरी बॉडी में भी काफी वीक पॉइंट्स है, जैसे कि तुम्हारे सोल्जर्स ने मुझे यहां पर हट कर दिया है, ये देखो। अब यामागिशी उस पर शूट करता है और गोटो अपने हैंड से एक बहुत ही खतरनाक सी शील्ड बना देता है और उसके अटैक्स को रोकता है। गोटो बोलता है, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे अटैक्स को डायरेक्टली भी डॉज कर सकता हूं, लेकिन इस वक्त मैं नो रिस्क पे हूं, इसलिए मैं बस उन्हें दूसरे एंगल पर मोड़ रहा हूं। और अब यामागिशी को काफी गुस्सा जाता है और वो उस पर बॉम्ब से हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि गोटो एक वॉल के ऊपर चढ़कर उसके इस अटैक को डॉज कर लेता है। गोटो बोलता है, मैं बॉम्ब्स को तो आसानी से डॉज कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारी बुलेट से नहीं बच पाता। और ये बोलकर गोटो उस पर हमला कर देता है और शिनिची नीचे खड़ा हुआ उस रूफ पर आते हुए गन शॉट्स को सुन लेता है। और हम देखते हैं कि गोटो यामागिशी को काफी ज्यादा इंजर्ड कर चुका होता है और यामागिशी उससे पूछता है, आखिर तुम हो कौन? और गोटो उस बिल्डिंग के रूफ से यामागिशी का सर नीचे फेंकता है और झाड़ियों में जाकर उसका सर गिर जाता है और फिर खुद भी नीचे आ जाता है उस रूफ से। और गोटो शिनिची को नोटिस करता है और मेगी शिनिची को बोलता है, शिनिची मुझे लगता है अब हम मरने वाले हैं, मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ पर आने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि गोटो को इस वक्त शिनिची में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता और वो एक लंबी सी छलांग मारकर वहां से भाग जाता है और उसे देखकर वो डिटेक्टिव और उसके सोल्जर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और वो डिटेक्टिव शिनिची को डांटने लगता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, जहां पर तुम होते हो वहां पर बहुत सारे खतरनाक पैरासाइट भी मिलते हैं हमें हर बार। और अब शिनिची वहां से भागने लगता है और तभी एक सोल्जर चिल्लाने लगता है और बोलता है, सर यहां पर किसी का हेड पड़ा हुआ है। शिनिची वहां पर आता है और अपने हेड को पड़ा हुआ देखता है और हमें पता चलता है कि ये सब एक सपना था। और तभी शिनिची उठ जाता है। शिनिची मेगी से पूछता है, गाइस बस ये आखिरी वाला जो पार्ट था जिसमें शिनिची यामागिशी की जगह अपना हेड देखता है वो वाला बस एक सपना था। और अब शिनिची मेगी से पूछता है, मेगी क्या वो गोटो हमारे पीछे आएगा फिर से? और मेगी उसे बताता है, हां शिनिची वो बहुत ही
जल्द हमारे पीछे आने वाला है। शिनिची मिगी से पूछता है, मिगी क्यों ना हम कहीं दूर चले जाएं यार, विदेश वगैरह में चल पड़ते हैं यार। लेकिन हम देखते हैं कि मिगी कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता और शिनिची देखता है कि मिगी सो रहा है। और तभी शिनिची को बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है और उसे हर इंसान में गोटाऊ नजर आने लग जाता है। शिनिची मन में सोच रहा होता है कि कहीं गोटाऊ उसके सामने ना जाए, इस वक्त वरना वो मारा जाएगा। अब शिनिची चलते चलते एक बंदे से टकरा जाता है और वो बंदा शिनिची को उसकी इस हरकत के लिए उसे माफी मांगने के लिए कहता है उससे, और कहता है अबे ओ दिखता नहीं तेरे को, सॉरी मांग उससे घुटने पर बैठकर। अब शिनिची इतना ज्यादा डरा होता है कि वो उसकी हर बात मान रहा होता है और अपने घुटने पर बैठ जाता है। और तभी शिनिची को ऐसा लगता है कि ये जो भी पैर इस बंदे ने इस पर रखा वो गोटाऊ का पैर है, जिसकी वजह से शिनिची बहुत ज्यादा डर जाता है और उन दोनों पर अटैक कर देता है। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और मुरानो शिनिची को नोटिस करती है अपने घर के बाहर खड़ा हुआ, और मुरानो उससे पूछती है शिनिची तुम आज स्कूल क्यों नहीं आए। और तभी शिनिची मुरानो को हक कर लेता है और कहता है मुरानो प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं बहुत ही जल्द आने वाला हूँ, प्लीज तुम मेरा इंतजार करना। और इतना बोलकर शिनिची वहाँ से भाग जाता है। और अब अगले दिन शिनिची कहीं पर जा रहा होता है भागकर, और तभी मिगी शिनिची से कहता है शिनिची हम अंडर अटैक है, जो सिग्नल मुझे आ रहे हैं वो काफी इंटेंस है, शायद ये गोटाऊ है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी कार वगैरह में है। और तभी शिनिची एक कार के अंदर बैठ जाता है और हम देखते हैं कि मिगी ड्राइव कर रहा होता है। शिनिची से पूछता है अबे ओए मिगी तूने ड्राइव करना कब सीखा, और हमें पता चलता है कि मिगी बहुत ज्यादा एडवांस होता है और उसने किताबें पढ़कर ही ड्राइविंग सीख ली होती है। और शिनिची मिगी से कहता है मिगी किसी सुनसान जगह पर लेकर चलो यार, क्योंकि अगर हम लोग इस सिटी के अंदर फाइट करेंगे तो बहुत ज्यादा खतरा होगा, इसमें काफी लोग मर सकते हैं। और अब मिगी शिनिची की बात मान जाता है और बोलता है शिनिची मेरे पास एक आइडिया है जो हमारे काम आ सकता है। और अब इसके बाद वो लोग काफी देर तक ड्राइव करते हैं और काफी दूर चलकर एक चट्टान से अपनी गाड़ी को गेर देते हैं और वो गाड़ी सीधा जाकर गोटाऊ के ऊपर लगती है और वो कार ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि इससे गोटाऊ को कुछ नहीं होता और वो अभी भी जिंदा होता है। और मिगी शिनिची से कहता है शिनिची प्लान फेल हो चुका है, हमें यहाँ से भागना होगा, और गोटाऊ बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। अब शिनिची जंगल में भाग रहा होता है और मिगी शिनिची को एक जगह पर आकर रुकने के लिए कहता है। मिगी बोलता है शिनिची जब तक वो यहाँ पर आएगा हमें एक स्ट्रेटजी बनानी होगी। शिनिची कहता है अबे ओ वो हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काटने वाला है और तुम स्ट्रेटजी बनाने की बात करते हो यहाँ पे, पागल पागल हो तुम। मिगी बोलता है शिनिची मुझे पता है तुम कैसा फील कर रहे हो इस वक्त, हर कोई मरने से डरता है, मैं भी डरा हुआ हूँ, लेकिन तुम्हें अपने दिमाग से काम लेना होगा। और अब मिगी शिनिची को एक स्ट्रेटजी बताता है और उसे बोलता है शिनिची गोटाऊ हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो हर एक एस्पेक्ट में हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, चाहे वो स्पीड हो या अटैक पावर, हम एक साथ मिलकर उस पर अटैक नहीं कर सकते, इसीलिए हमें अलग अलग होकर उस पर हमला करना होगा। शिनिची सुनकर काफी हैरान हो जाता है कि क्या बोल रहा भाई ये, अलग अलग कैसे हम उस पर अटैक कर सकते हैं। और गाइज इनका प्लान ये होता है कि मिगी शिनिची की बॉडी से अलग हो जाएगा, जिसकी वजह से गोटाऊ शिनिची को सेंस नहीं कर पाए और शिनिची उसका ध्यान भटकाएगा और मिगी बिल्कुल एक सही मौका देखकर गोटाऊ पर हमला कर देगा और उसे मार गिराएगा। और मिगी को उस कार में एक लाइटर भी मिला था जो कि उसने शिनिची के पॉकेट में डाल दिया होता है। अब थोड़ी देर बाद गोटाऊ वहां पर पहुंच जाता है शिनिची का पीछा करते हुए और गोटाऊ समझ जाता है कि मिगी ने अपने बहुत सारे फ्रेगमेंट्स को अलग अलग डायरेक्शन में फैला दिया है, जिसकी वजह से वो उसकी एक्चुअल बॉडी को सेंस नहीं कर पा रहा है। और मिगी मन में सोच रहा होता है हम ह्यूमन बॉडी के बिना जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी वीकनेस भी है। शिनिची की बॉडी के जो सेल्स मिगी के अंदर आ गए थे वो बिल्कुल बदल चुके हैं और गोटाऊ उन्हें सेंस नहीं कर सकता है। और तभी गोटाऊ मिगी को सेंस करके एक ट्री के ऊपर आ जाता है और मिगी को ढूंढने के लिए एक ट्री के ब्रांचेस को काटने लगता है। गोटाऊ बोलता है क्या हुआ तुम्हें, आगे से अटैक क्यों नहीं कर रहे तुम। गोटाऊ मन में सोच रहा होता है वो ह्यूमन कहां गया, क्योंकि अगर मैंने उसे मार दिया तो ये पैरासाइट अपने आप ही मर जाएगा। अब मिगी सोचता है कि गोटाऊ की बॉडी में जो उसका लीस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है वो उसका हेड है, और अगर वो उसके हेड पर हमला करेगा तो वो गोटाऊ को जरूर से हरा देगा और उसकी पूरी बॉडी कंट्रोल खो देगी और वो मर जाएगा। लेकिन मिगी के पास एक ही चांस होगा उसको मारने के लिए। और अब शिनिची से इतनी देर तक अलग रहने की वजह से मिगी को ऐसा फील होता है कि उसकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे फेड होनी शुरू हो गई है और अब उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। और अब गोटाऊ को गुस्सा आने लगता है और वो बोलता है जल्दी से बाहर निकलो, तुम उससे नहीं बच सकते, कायरों की तरह मुझसे छुपो मत, मेरे सामने आओ। अब मिगी शिनिची की आवाज निकालता है और जैसे ही गोटाऊ मिगी की तरफ मुड़ता है तो शिनिची एक फायर स्फीयर से गोटाऊ की लेग पर अटैक करता है। और अब जैसे ही गोटाऊ का ध्यान अपनी लेग की तरफ जाता है तो मिगी गोटाऊ की नेक पर हमला कर देता है, लेकिन वो अटैक इतना पावरफुल नहीं होता कि उसका हेड उसकी बॉडी से अलग हो जाए। और मिगी ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और उनका मिशन फेल हो चुका है। वो उस पर दोबारा हमला करने की कोशिश करता है लेकिन गोटाऊ उसके अटैक को रोक लेता है। शिनिची मिगी के पास आने लगता है और तभी मिगी उसे कहता है शिनिची हम फेल हो चुके हैं, तुम यहाँ से भाग जाओ, मेरी चिंता मत करो। और मिगी शिनिची को चिल्ला चिल्लाकर वहां से भागने के लिए कह रहा होता है, क्योंकि अगर शिनिची वहां से नहीं भागा इस वक्त तो वो दोनों के दोनों मारे जाएंगे और अगर उनमें से किसी एक को अपनी जान बचानी है तो शिनिची को वहां से भागना होगा। अब गोटाऊ शिनिची पर अटैक करता है और मिगी गोटाऊ की एक लात को काट देता है। और अब मिगी आखिरी बार शिनिची को भागने के लिए कहता है और शिनिची ना चाहते हुए भी वहां से भाग जाता है। और मिगी मन में सोच रहा होता है ये शिनिची और मेरी आखिरी मुलाकात थी, लेकिन मैं खुश हूं कि मैं उसके हेड को टेक ओवर नहीं कर पाया, वो काफी अच्छा इंसान है, हम लोगों ने काफी अच्छा टाइम बिताया, हमने काफी मेमोरीज भी इकट्ठी करी, लेकिन अब मेरा टाइम आ चुका है, मैं मरना तो नहीं चाहता लेकिन मैं मर रहा हूँ। और इतना बोलकर मिगी फेड जाता है और मर जाता है। और अब शिनिची भागते भागते एक रिवर के अंदर गिर जाता है और बाहर निकलकर शिनिची अपने हैंड को फील
करने की कोशिश करता है, लेकिन अपने हैंड को ना फील करने की वजह से शिनिची अब रोने लग जाता है और मैगी को बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है। अब शिनिची जंगल के अंदर एक घर के अंदर जाता है और एक ओल्ड लेडी उसे नोटिस करती है और वो लेडी शिनिची को अंदर आने के लिए कहती है क्योंकि शिनिची को काफी चोट लगी हुई थी। अब शिनिची उस लेडी के घर के अंदर जाता है और खाना खाने लगता है, लेकिन एक हाथ होने की वजह से उसे काफी दिक्कत आती है खाने में। अब शिनिची खाना खाकर वहां से जाने लगता है, लेकिन वो लेडी उसे वहीं पर रोकने के लिए कहती है। अब अगले दिन शाम हो जाती है और शिनिची सोच रहा होता है मन में कि अब मैगी तो चला गया है, तो अब क्या करना चाहिए उसे अपनी लाइफ में, और काफी दिन भी हो चुके थे और वो अपने घर भी नहीं गया था, और सोचता है कि उसे घर जाकर अपने डैड को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, कैसे उसने अपना हैंड लूज किया और कैसे मैगी नाम का उसका एक दोस्त हुआ करता था। अब शिनिची एक ड्रीम देख रहा होता है और वो अपने ड्रीम में देखता है कि एक छोटा सा क्रिएचर शिनिची से पूछता है, क्या हुआ, कुछ ढूंढ रहे हो तुम? शिनिची बोलता है, हाँ मैं मैगी को ढूंढ रहा हूँ, वो मेरा दोस्त है। मैगी पूछता है, तुम्हारा फ्रेंड कैसा दिखता है? जिसके रिप्लाई में शिनिची बोलता है, नहीं मुझे याद नहीं वो कैसा दिखता है। जिसके रिप्लाई में वो मॉन्स्टर बोलता है, सॉरी मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, और वो मॉन्स्टर वहां से जाने लगता है। और तभी शिनिची का ये सपना टूट जाता है और वो अपने राइट हैंड पर एक आंख को नोटिस करता है जो कि मैगी के उन्हीं फ्रेगमेंट्स की वजह से होती है जो कि शिनिची की पूरी बॉडी में फैल चुके थे जब मैगी ने उसकी बॉडी को रिपेयर किया था उसके हार्ट के जरिए। शिनिची रोता हुआ कहता है, मैगी मैगी तुम जिंदा हो? लेकिन वो फ्रेगमेंट कुछ नहीं बोलता और शिनिची को रियलाइज होता है कि ये फ्रेगमेंट्स बहुत ही छोटे हैं, इसीलिए वो कुछ नहीं कर सकते, जैसा कि मैगी ने पहले बताया था शिनिची को। और अब इसके बाद हमें उन जंगलों के बीच में एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि काफी इंजर्ड होता है और अपनी जान बचाकर किसी से भाग रहा होता है। और उसी दिन शिनिची उस ओल्ड लेडी के घर से जाने का डिसाइड करता है और तभी उस लेडी के घर के बाहर कुछ लोग आकर खड़े हो जाते हैं। वो लोग शिनिची के वहां पर आने की वजह से गुस्सा होते हैं और उसे पूछते हैं कि ये कौन है वे लड़का, ये यहां का तो नहीं लग रहा मुझे, ये कोई अनजान शख्स है, यहां कुछ टाइम से बहुत ही अजीबोगरीब चीजें चल रही हैं, जैसे कि एक इलीगल क्रैश डंपिंग, दो कार्स का टकराना जिनमें कोई ड्राइवर भी नहीं था, और अब ये मर्डर वाला इंसिडेंट। और तभी हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि उन जंगलों के अंदर भाग रहा होता है और वो उन सभी को बताता है, मेरी बात का यकीन करना, जो चीज मैंने देखी थी वो कोई ह्यूमन नहीं था, वो 3 मीटर लंबा था, उसके 4 हाथ थे और बहुत सारी आंखें थी, और उसकी पूरी बॉडी पर बहुत सारे ब्लेड्स भी लगे हुए थे, प्लीज मेरी बात का यकीन करना। और शिनिची समझ आता है कि ये गोटोऊ की बात कर रहा है। वो बंदा बोलता है, तुम लोग मुझे पागल समझ रहे होगे, लेकिन ये ब्लड मेरे ही एक साथी का है जिसे एक मॉन्स्टर ने मारकर खा लिया है। और उसकी बात मानकर कुछ ऑफिसर्स जंगल में इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाते हैं और उन्हें उस पर्सन की बॉडी मिलती है और वो लोग समझ जाते हैं कि ये एक पैरासाइट का काम है। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और शिनिची फाइनली उसके घर से जाने लगता है क्योंकि वो काफी दिनों से उस ओल्ड लेडी के घर में रुका हुआ था। और वो लेडी जाने से पहले शिनिची को कुछ वेपन लेकर जाने के लिए बोलती है अपने साथ क्योंकि बाहर बहुत सारे पैरासाइट्स घूम रहे होते हैं। अब शिनिची एक बुचर नाइफ उठाता है और आधी रात को ही उस जंगल में चला जाता है गोटोऊ को मारने। शिनिची मन में सोचता है, मेरे जीतने के 0 चांसेस है, लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, मुझे कोई भी इमोशन फील नहीं हो रहा, अब ये काफी स्ट्रेंज है, लेकिन मेरे सेंसेस काफी तेज काम कर रहे हैं। अब शिनिची नोटिस करता है कि गोटोऊ सो रहा होता है और उसे रियलाइज होता है कि इन्हें भी रेस्ट की जरूरत होती है, मैगी भी काफी सोता था। अब शिनिची गोटोऊ की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है, उसकी फट रखी होती है और हम देखते हैं कि शिनिची चलते चलते गोटोऊ के काफी ज्यादा पास आ जाता है। ऐसा इसलिए पॉसिबल था क्योंकि अब शिनिची के पास मैगी नहीं था, इसलिए गोटोऊ उसे सेंस नहीं कर पाता। और अब शिनिची गोटोऊ के पास जाकर सोचता है, क्या मैगी इस गोटोऊ के अंदर होगा अभी भी, अगर क्या मैं उसे आवाज लगाऊंगा तो वो मेरी बात का रिस्पॉन्ड करेगा। और अब शिनिची गोटोऊ के पीछे जाता है और उसी बूचर नाइफ से गोटोऊ पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गोटोऊ जाग जाता है और शिनिची पर अटैक कर देता है। शिनिची भागकर जंगल के अंदर कहीं पर जाकर छुप जाता है और हम देखते हैं कि ये गोटोऊ काफी ज्यादा गुस्से में होता है और बोलता है, मेरे सामने आओ, तुम जैसा एक कमजोर ह्यूमन मुझे चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। शिनिची मन में सोच रहा होता है, मैं नहीं जीत सकता इससे, लेकिन मैं कम से कम इसे डैमेज तो पहुंचा ही सकता हूं, मैं मैगी का बदला जरूर लूंगा, मेरे पास तुम्हारे जैसी पावर तो नहीं है लेकिन मेरी सेंसेस बहुत तेज है, अगर मेरे पास एक प्लान हो तो मैं गोटोऊ से फाइट कर सकता हूं। शिनिची मैगी को बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है और सोच रहा होता है, मैगी प्लीज मुझे बताओ मैं क्या करूं। अब शिनिची गोटोऊ की नेक पर अटैक करने का डिसाइड करता है क्योंकि उसका हेड उसकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, इसलिए उसे लगता है कि वो ही उसका वीक स्पॉट होगा। और तभी शिनिची को एक लकड़ी मिलती है और शिनिची उसे यूज करने का प्लान बनाता है। गोटोऊ शिनिची की आवाज सुन लेता है और उसकी तरफ जाने लगता है। शिनिची एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और सोच रहा होता है, अगर मैं गोटोऊ पर साइड से अटैक करूं तो मुझे उसके वीक पॉइंट्स का पता नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैं ऊपर से हमला करूं तो मुझे इतना तो पता है कि गोटोऊ के नेक के पीछे एक होल है जो कि इसके इंटरनल ऑर्गन से जुड़ा हुआ है, और अगर मैं अपना पूरा वेट इस वेपन के थ्रू उसकी बॉडी पर डालूं तो शायद बात बन सकती है, मुझे बस वो अटैक बहुत ही पावरफुल तरीके से करना होगा। और अब शिनिची उस पेड़ से नीचे कूदता है और नोटिस करता है कि वो मिशेटी जो उसने अभी मारी थी उसके वो बूचर नाइफ वो अभी भी उसके गले में होता है। गोटोऊ शिनिची को नोटिस कर लेता है और उस पर हमला करके उसे काफी दूर फेंक देता है। गोटोऊ शिनिची के पास आता है और बोलता है, तुम जैसे क्रीचर्स मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। शिनिची बोलता है, क्या तुम्हें कभी किसी ने बताया कि तुम कितने गंदे लगते हो, नहाता वाता नहीं है तू। और अब शिनिची गुस्से में आकर गोटोऊ पर हमला करता है, लेकिन गोटोऊ को एक खरोंच तक नहीं आती। गोटोऊ बोलता है, मुझे तुम्हारे लड़ने का तरीका समझ नहीं आ रहा, ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा मुझे कोई नीडल चुबा रहा है, इस तरह के टैक्स काम नहीं आने वाले मेरे खिलाफ। गोटोऊ शिनिची को एक पंच मारता है जिसकी वजह से शिनिची 2 किलोमीटर दूर जाकर गिरता है। शिनिची बहुत ज्यादा पेन में होता है और गोटोऊ शिनिची की तरफ बढ़ने लगता है। शिनिची नोटिस करता है कि वो उसी कूड़े के ढेर के ऊपर होता है
जिसकी बात वो बंदा कर रहा था। इस जगह पर ये कूड़ा इलीगल तरीके से डंप किया जा रहा था बहुत लंबे टाइम से। अब शिनिची मन में सोच रहा है, यही मेरा अंत है, इस डंप यार्ड में मरने वाला हूँ मैं। गोटो बोलता है, क्या यार तुम, मैं तो इसे एक फाइट भी नहीं कह सकता, तुमसे अच्छी तो वो तामिया थी। और तभी शिनिची को तामिया की एक बात याद आती है, जब वो बोलती है उसे गोटो काफी ज्यादा वीक है लेकिन उसे हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। शिनिची मन में सोच रहा होता है, भाई ये क्या बात हुई, अगर गोटो को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है तो वो वीक कैसे हो सकता है। शिनिची ये सोच रहा होता है अपने मन में और गोटो धीरे धीरे शिनिची के पास आ रहा होता है उसे मारने के लिए। और शिनिची को उसी ऑपरेशन वाला दिन याद आता है जब यामाकिशी और उसकी टीम ने गोटो को उसके बगल में इंजर्ड किया होता है, वो जगह गोटो का वीक पार्ट होती है। शिनिची को ये बात समझ आ जाती है और उसे अपने बगल में एक आयरन रॉड दिखती है। और अब शिनिची आखिरी बार सोचता है अपने मन में, मैं जैसे ही ये करने का ट्राई करूंगा तो गोटो मुझे एक ही हमले में मार देगा, लेकिन मुझे कुछ तो करना ही होगा। और अब शिनिची गोटो पर एक आखिरी हमला करने का डिसाइड कर लेता है और गोटो धीरे धीरे करके शिनिची के बहुत ही ज्यादा पास पहुंच जाता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी शिनिची अचानक से उठता है और गोटो के उसी स्पॉट पर जो उसका वीक पॉइंट होता है वहां पर स्टैब कर देता है उस आयरन रॉड से। गोटो दर्द से चिल्लाने लगता है, शिनिची उस अटैक से बच जाता है और लात मारकर उस रॉड को उसकी बॉडी में पूरी तरह से घुसा देता है और वहां से भाग जाता है। गोटो काफी ज्यादा पेन में होता है और उस रॉड को अपनी बॉडी से बाहर निकालता है। शिनिची एक ट्री के पीछे जाकर छुप जाता है और तभी उसे उस ट्री से हिलने की आवाज आती है। शिनिची मन में सोच रहा होता है, क्या वो आ गया, चलो कोई बात नहीं, मैं काफी अच्छा लड़ा, मैंने उसे काफी डैमेज दिया। और तभी शिनिची पर एक बहुत खतरनाक हमला होता है और वो देखता है कि गोटो उसके सामने खड़ा होता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। और भाई ये बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा होता है, भाई सही में यार ये बहुत डरावना है भाई, गोटो क्या ही बना दिया इन्होंने ये। और गोटो शिनिची से पूछता है, तुम्हें उस जगह के बारे में कैसे पता। शिनिची से कहता है, मैंने उस दिन तुम्हें देखा था जब वो ऑपरेशन वाला दिन था, तुम्हारे यहाँ पर दो गोलियां लगी थी। और अब गोटो शिनिची को मारने के लिए अपना ब्लेड निकालता है और शिनिची मन में सोचता है, अगर तुम्हें मुझे मारना है तो जल्दी करना प्लीज। अब गोटो शिनिची पर एक अटैक करता है और शिनिची अपनी आंखें बंद कर लेता है और मरने का इंतजार करने लगता है। लेकिन तभी शिनिची के राइट हैंड से मिगी बाहर निकलता है। ये मिगी का वही छोटा सा पार्टिकल होता है जो कि बचा रह जाता है शिनिची की बॉडी में, और मिगी का वो छोटा सा पार्टिकल एक ब्लेड बनाता है और गोटो के अटैक को रोक देते हैं। और तभी गोटो के हैंड्स उसकी बॉडी को छोड़ देते हैं और शिनिची की बॉडी को ज्वाइन कर लेते हैं। दरअसल गोटो ने मिगी को एब्जॉर्ब कर लिया होता है, लेकिन अब मिगी वापस आने की वजह से उसकी बॉडी को छोड़ देता है और शिनिची की बॉडी में चला जाता है। और अब मिगी को वापस जिंदा देखकर शिनिची बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और रोने लग जाता है और कहता है, मिगी तुम वापस आ गए। और शिनिची रोने लग जाता है और मिगी गोटो से कहता है, मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर रहकर काफी सारे वाइटल ऑर्गन्स को काफी नुकसान पहुंचा दिया है और मुझसे लड़ने से पहले तुम्हें उन्हें रीगेन करना होगा। और हम देखते हैं कि गोटो की बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रही होती है और शिनिची को समझ नहीं आता कि ये चल क्या रहा है भाई। और वो मिगी से पूछता है, भाई मिगी क्या चल रही है। और मिगी से बताता है, जो पैरासाइट सेल्स लीडर की बॉडी को बिलोंग नहीं करते वो इस वक्त डेंजर महसूस कर रहे हैं और उसकी बॉडी से बाहर निकलना चाहते हैं। शिनिची ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि अभी पहले जब तुमने उस रॉड को उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया था तो उस रॉड में बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स लगे हुए थे क्योंकि तुमने उसको एक डंप यार्ड से उठाया था और अब वो टॉक्सिन्स उसकी बॉडी में इंजेक्ट होने की वजह से उसके बाकी के वाइटल ऑर्गन्स खतरा महसूस कर रहे हैं। अब गोटो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन्हें फाइनली मारने का डिसाइड करता है। लेकिन तभी गोटो की बॉडी का एक हिस्सा बबल की तरह फूल कर फट जाता है। अब गोटो बहुत ही गुस्से में होता है और शिनिची की तरफ आने लगता है और तभी मिगी गोटो पर अटैक करता है और अब मिगी गोटो पर एक हमला करता है और उसकी पूरी बॉडी को ब्लास्ट कर देता है। शिनिची बोलता है मिगी को, मिगी मुझे काफी खुशी है तुम वापस आ गए यार, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अब शिनिची मिगी को वही डंप यार्ड दिखाता है जहां से उसने वो रॉड उठाई थी और मिगी उसे बताता है, शिनिची ये बहुत ज्यादा पॉइजनस है, एक मिनट हमें उसी प्लेस पर वापस जाना होगा जहां पर हम लड़े थे। गोटो अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, एक्सप्लोड होने की वजह से उसका सारा टॉक्सिन बाहर निकल चुका है और अब उसका ब्रेन डेस्परेटली वापस से रिवाइव होने की कोशिश कर रहा है। अब वो दोनों गोटो के पास जाते हैं और मिगी उसे बताता है कि इसकी रीजनरेशन की पॉसिबिलिटी सिर्फ 50% है। अब शिनिची को रोयोको की बात याद आती है जो कि कहती है हम पैरासाइट्स काफी कमजोर होते हैं। और शिनिची मन में सोचने लग जाता है, आखिर ये पैरासाइट्स पैदा ही क्यों हैं, क्या ये हमें मारने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्या ये नेचर का एक तरीका है ह्यूमंस की पॉपुलेशन को बैलेंस करने का, क्योंकि हम अर्थ को बहुत धीरे धीरे तबाह करते जा रहे हैं, ह्यूमंस की वजह से बाकी की स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती जा रही है। और गोटो इसका परफेक्ट एग्जांपल है, गोटो इतना ज्यादा ताकतवर था लेकिन वो भी ह्यूमंस के द्वारा किए गए पॉल्यूशन के सामने कुछ नहीं कर पाया। क्या ह्यूमंस पॉइजनस होते हैं और क्या ये पैरासाइट्स बिल्कुल सही कर रहे थे ह्यूमंस को मारकर। और अब शिनिची गोटो को ना मारने का डिसाइड करता है और नेचर पर छोड़ देता है, लेकिन आधे रास्ते में चलकर शिनिची अपना माइंड बदल देता है और गोटो को मार देता है क्योंकि वो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था। अब इसके बाद वो ओल्ड लेडी देखती है अपने बाहर की कुछ लोग शोर मचा रहे हैं और वो ओल्ड लेडी उनसे पूछती है कि क्या हो गया भाई, कहां जा रहे हो तुम, क्या है ये। और वो बंदे उन्हें बताते हैं कि एक बॉडी मिली है उन्हें जंगलों के बीचों बीच जो कि किसी पैरासाइट की है। और तभी वो ओल्ड लेडी अपनी मशेटी को अपने घर के बाहर पड़ा हुआ नोटिस करती है, जिससे कि वो समझ जाती है कि ये शिनिची का काम था, उसने उसे मार दिया है। और शिनिची वहां से चला जाता है। अब अगले दिन शिनिची वापस अपने होम टाउन पहुंच जाता है और शिनिची मुरानो के साथ बैठकर एक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी शुरू कर देता है और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल होना शुरू हो गया होता है। और उस ऑपरेशन के बाद जो पहले कंडक्ट की गई थी, गोटो के मरने के बाद कोई भी पैरासिटिक एक्टिविटी नोटिस नहीं की जाती है पूरी दुनिया में और अब पूरी दुनिया में शांति होती है। अब थोड़ी देर बाद पढ़कर शिनिची और मुरानो वहां से जाने लगते हैं और तभी
उरागामी उन्हें नोटिस करता है और तभी शिनिची उरागामी को नोटिस करता है जो कि उसे ही देख रहा होता है भीड़ के बीचों बीच। और अब शिनिची मुरानो को वहीं पर रुकने के लिए कहता है और उसका पीछा करने लगता है। और तभी भागते भागते शिनिची को अपने पीछे से मुरानो के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि उरागामी ने मुरानो के गले पर एक नाइफ रखा होता है। शिनिची उसके पीछे भागने लगता है और उरागामी एक लिफ्ट की हेल्प से ऊपर के फ्लोर पर जाने लगता है। और अब वो दोनों बिल्डिंग के टेरेस के ऊपर पहुंच जाते हैं। वहां पर एक बंदा होता है जो कि उरागामी को नोटिस करता है और मुरानो को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उरागामी उसका गला काटकर उसे मार देता है। उस बंदे की गर्लफ्रेंड ये देखकर चिल्लाने लगती है और वो बंदा उसे भी मार देता है। मुरानो ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और उरागामी उसे कहता है, तो मैं बाद में मारूंगा, पहले मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड से बात करनी है कुछ। अब शिनिची टेरेस पर पहुंच जाता है और उन मरी हुई डेड बॉडीज को देखता है जो कि उरागामी ने मारी थी। और वो देखता है कि उरागामी ने मुरानो के गले के ऊपर नाइफ रखा होता है और शिनिची उरागामी को कहता है, प्लीज भाई उसे जाने दो यार, हम आराम से बात कर सकते हैं इसके बारे में, प्लीज उसे जाने दो। और वो धीरे धीरे उरागामी के पास आने लगता है। तुम्हें क्या चाहिए यार, प्लीज बताओ मुझे, उरागामी कहता है। भाई मुझे एक अपने क्वेश्चन का आंसर चाहिए, बता बताएगा। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब मैं समझ गया था कि तुम एक पैरासाइट हो। और वो मुरानो से पूछता है, तुम तो इसकी बंदी हो, तुम्हें नहीं पता क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक पैरासाइट है? एक बात बताओ, तुमने इसकी बॉडी में कोई स्कार या कोई होल वगैरह नोटिस किया क्या? और मुरानो को शिनिची की बॉडी पर वही स्कार याद आता है जो कि उसकी चेस्ट पर होता है। और शिनिची उसे कहता है, भाई प्लीज जाने दो यार मुरानो को, प्लीज इसकी कोई गलती नहीं है इसमें। और शिनिची को अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और मुरानो से कहती है, शिनिची तुम जाओ प्लीज यहाँ से, पुलिस को बुलाकर लेकर आओ, इसके साथ टाइम वेस्ट मत करो। मुरानो उरागामी को कहती है, तुम खुद को इंसान कहते हो, तुम उन मॉन्स्टर से भी ज्यादा बुरे हो, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ और मैंने दुनिया की सबसे ज्यादा डरावनी चीज देखी हुई है। नहीं नहीं नहीं, ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, मुरानो शिनिची से कहती है। शिनिची तुम बहुत अच्छे हो, तुम एक ट्रू ह्यूमन हो। और शिनिची को दोबारा से पुलिस को बुलाने के लिए कहती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। उरागामी बोलता है, जाओ भाई जाओ जाओ, और जब तुम वापस आओगे ना तो तुम्हें इसके पीसेस दिखेंगे, छोटे छोटे बिल्कुल, पुलिस ने तो मुझे वैसे भी पकड़ लेना है, चलो कम से कम आखिरी बार मैं मजे करके तो मरूंगा। अब उरागामी मुरानो का गला काटने लगता है और शिनिची उसे रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और उरागामी मुरानो को टेरेस से नीचे फेंकने लगता है। और शिनिची मन में सोच रहा होता है, मैं मुरानो को बचा सकता हूँ। और शिनिची एक प्लान बनाता है कि वो अपने लेफ्ट हैंड से उस नाइफ को स्टॉप करेगा और अपने राइट हैंड से उस बंदे को पंच मार के मुरानो को बचा लेगा। शिनिची ऐसा करता है लेकिन वो मुरानो को नहीं पकड़ पाता और मुरानो उस बिल्डिंग से नीचे गिरने लगती है। और अब शिनिची को अपने मन में मिगी दिखता है जो कि उसे बोलता है, शिनिची तुम ह्यूमंस का फीलिंग्स होना बहुत बड़ी एडवांटेज है, ह्यूमन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास एक हार्ट है और ये एक बहुत ही वंडरफुल गिफ्ट है क्योंकि तुम लोग फील कर सकते हो। अब मैं थक चुका हूँ और मुरानो को पकड़ने का काम अब तुम करोगे। और हम देखते हैं कि शिनिची ने टाइम पर मुरानो को पकड़ लिया होता है और मुरानो की जान बचा ली होती है और शिनिची उसे ऊपर खींच लेता है। शिनिची मुरानो से पूछता है, मुरानो क्या तुम ठीक हो? और शिनिची मन में कहता है, थैंक्स मिगी, तुम अब भी मेरे साथ हो। शिनिची मुरानो से पूछता है, मुरानो क्या तुम्हें वो पपी याद है जिसे मैंने डस्टबिन में फेंक दिया था? क्या तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत गलत किया था और फिर मैंने उसे एक पेड़ के नीचे दफना दिया था। और मुरानो कहती है, हाँ शिनिची मुझे मालूम है और तुमने बिल्कुल सही किया था क्योंकि तुम शिनिची हो। और अब शिनिची मन में सोच रहा होता है, हम नॉर्मल ह्यूमंस के अंदर भी कुछ पैरासाइट्स मौजूद हैं जो कि हम इंसानों को खोखला करते जा रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं एक इंसान हूँ और हम सभी लाइफ स्पीशीज को एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो और गाइज आप लोगों का 100 के सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई, इतना सारा सपोर्ट दिखाया यार आप लोगों ने, सिर्फ 2 मंथ्स में 100 के सब्सक्राइबर करवा दिया यार, सच में भाई दिल से शुक्रिया यार आप सबको। और हाँ, इसके अगले वाली वीडियो जुजुत्सु काइसन पर होने वाली है और वो भी 1-2 दिन में आ जाएगी। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।